हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस मैराथन सीरीज में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की मैराथन की शुरुआत। जी, कल जो था वो हमने सी और डी वाला ऑप्शन अपना कंप्लीट किया था, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन। आज थोड़ा भाई साहब बड़ा है ना, क्योंकि इसमें बैंकिंग भी है, इसमें फाइनेंस भी है, इसमें अकाउंट्स भी है, इसमें ऑडिट भी है, इसमें और भी इनकम टैक्स भी है। तो भाई साहब बहुत बड़ा है ना, तो मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट में और जितना अच्छे से आपकी रिवीजन करा पाऊं, है ना। तो ज्यादा देर थोड़ा लगेगा, 2-2.5 घंटे की वीडियो जरूर, 2 घंटे की मिनिमम मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी घंटे की होगी शॉर्ट में अच्छी रिविजन होगी। मन लगा के कान में ईयरफोन लगा के आराम से सुन लीजिएगा और यकीन मानिए आप आज ही आपको मिल जाएगी। कितने बजे? 7 बजे के आसपास। और फिर आप जो है कल तक में सारे लोग देख लेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा। और फिर कल शाम में मैं आपके लिए एक जबरदस्त जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ। फिर वो फिर उसके बाद अगले परसों जो है आपका एग्जाम जबरदस्त जाएगा। और परसों जो जो भी होगा ना, सारे लोग जितने भी लोग हैं सब झंडा गाड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे एकदम, है ना, मोटिवेट रह के कहेंगे। चलिए, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने आगे रास्ते की ओर, क्योंकि सफर लंबा है थोड़ा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या बेसिक चीज कि भैया अगर आपने अभी भी ये कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे लगभग 320 लोग हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के सारे नोट्स का फायदा उठा रहे हैं। और आने वाले वक्त में जितनी भी एग्जाम्स होगी, जैसे EMRS की एग्जाम, PGT कॉमर्स की होगी, उसका भी नोटिफिकेशन होगा। झारखंड के सीनियर ऑडिटर का भी अगर एग्जाम आता है तो उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। सारा कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम की तैयारी आपकी यहाँ होगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बदले में बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। उसके साथ साथ क्या करना है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, देखिए अभी जो है पहले हम शुरुआत करेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, फिर बैंक खत्म करेंगे। बैंक खत्म करने के बाद तब हम इनकम टैक्स पे जाएंगे और फिर ऑडिट वगैरह पे जाएंगे और फिर अकाउंट्स पे जाएंगे। तो ऐसे हमारी आज की सीक्वेंस होगी, एक एक करके सारी रिवीजन करेंगे। थोड़ा आराम से तन के बैठना, हाँ, मन लगा के बैठना, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। सर बिल्कुल शुरू किया जाए, है ना। तो आइए, सबसे पहला बात क्या, एक मिनट रुकना। हाँ जी भाई, थोड़ा तन के बैठ जाऊ। ये सबसे पहला, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 पार्ट में हमने बताया था, 2 रिवीजन वीडियो की ऑलरेडी डाल दिया मैंने 2 घंटे का, तो वो तो आपने देख लिया होगा, तो आज उसी का रिवीजन करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वर्ड आया है फाइनेंस और मैनेजमेंट से आया, ठीक है। फाइनेंस का मतलब होता है फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज कैसे करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करके। इट मीन्स फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, जो फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, फंड को मैनेज करना, प्लान कंट्रोल करना, इसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब प्लानिंग किस किस चीज की होगी कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और इफिशियंट यूज ऑफ मनी, की भैया पैसा आएगा कहां से और पैसा जो है लगाना कहां है, इन बातों को ध्यान रखना ही प्लानिंग और कंट्रोल कहलाता है। तो इट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो 3 तरीके का डिसीजन लेता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या सर? पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो 2 डिसीजन लिए जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म में डिसीजन लिया जाता है, एक शॉर्ट टर्म में डिसीजन लिया जाता है। अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात करें तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात हम करते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करें तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात की जाती है। उसी तरीके से फाइनेंस के डिसीजन की बात होती है कि भैया हम पैसा कौन कितना लगाएंगे, अपना कितना होगा और पड़ोसी यानी कि लोन कितना से लेके आएंगे। तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और इक्विटी का रेशियो क्या होगा, सोर्स क्या होंगे फाइनेंस का, ये देखते हैं। इसके साथ साथ तीसरा डिसीजन जो लेता है वो होता है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें ये वो सोचता है कि भैया जो हम पैसा कमाए हुए हैं उस पैसा को कितना खुद के पास रखेंगे और कितना शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बात हो गई। अब देखो ये कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू प्लान एंड कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी एंड इट इज डन अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो क्यों किया जाता है भैया, ताकि कंट्रोल और प्लान कर सकते हैं हम किसके लिए, कंपनी के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो टोटल ओवरऑल क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है सर? तो भैया 3 तरह के डिसीजन को आपने कंसिडर करना है ना,
चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये तीनों डिसीजन में क्या क्या आते हैं, ये सारा ये तो पढ़ लिया हमने कि भैया कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड पॉलिसी और रिटर्न अर्निंग होती है। देखियो ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दो तरीके के ऑब्जेक्टिव, एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पुराना कंसीडरेशन है और अभी का जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, इसका मतलब जो कल का पैसा है उसकी आज की वैल्यू क्या होती है, ये होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सीधा सीधी बोलते हैं भैया पैसा कमा लिया हमको वापस दे दो, दैट्स इट, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना फर्म को कमाना है। ऐसा नहीं जैसे अगर हर ये कैपिटल की ना अपनी कॉस्ट होती है, ठीक है, हर कैपिटल की अपनी एक कॉस्ट होती है, चाहे वो आज आप पहले यहां की बात करते हैं। देखो क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है और रिटर्न अर्निंग, ये सारे क्या है अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कैपिटल टाइप के हो गए। तो अब ये क्या हो गया, ये चारों क्या हो गए, ये चारों हो गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें से अगर तीन पूछा जाता है सवाल एग्जाम में कि भैया एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको कहते हैं, तो जब डेट की बात हो, इक्विटी की बात हो, प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो, तो इन तीनों को अगर एक साथ मर्ज किया जाए तो इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉलर कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट विच बिलोंग्स टू इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो बोल रहा भाई साहब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आप हर कैपिटल का अपना एक कॉस्ट होता है, जैसे हर फाइनेंस को जितना भी सोर्स है ना, डेट हो, इक्विटी हो और क्या कहते हैं आपका प्रेफरेंस शेयर हो या रिटेन अर्निंग हो, सबका अपना एक कॉस्ट होता है। तो उस कॉस्ट को उतना परसेंट कम से कम कमाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो आपने किसी जगह पे 10 लाख रुपए रखा हुआ है, तो 10 लाख रुपए का घर में बैठा हुआ तो कोई बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर उस 10 लाख रुपए को बैंक में दोगे तो बैंक एक इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसा देगा कि नहीं, तो दैट पार्ट जितना पार्ट आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा दैट इज कॉल्ड इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसी तरीके से हर फाइनेंस की सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है, जैसे डेट अगर लोगे तो डेट के बिहाफ में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जी सर, इक्विटी में इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब पैसा अगर बैंक में रखोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन डेट अगर आप लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देना पड़ेगा, तो उतना पैसा तो कम से कम तुम कमाओगे जितना बैंक को पे कर सकते हो, दैट पार्ट ऑफ इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कट ऑफ रेट भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रिटर्न भी कहते हैं, टारगेट रिटर्न भी कहते हैं, ये सारा चीज। अब देखो कॉस्ट ऑफ डेट जो है, एक एक करके मैं सारा का फॉर्मूला बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ डेट दो तरह का होता है, एक इरिडीमेबल जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते, ये दूसरा होता है रिडीमेबल जिसको हम रिडीम कर सकते हैं, मतलब पुनः वापस ले सकते हैं। तो उसमें भी दो तरीके का फॉर्मूला है, बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स, और यहाँ भी रिडीमेबल में बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। आइए इरिडीमेबल डेट का फॉर्मूला को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला एकदम बेसिक है और इसी से पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। इंटरेस्ट जितना भी होगा दिया होगा, नेट प्रोसीडिंग्स दिया होगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। और अगर टैक्स दिया हो, सिर्फ टैक्स दिया हो उसमें, तो क्या करना है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। देखो इररिडीमेबल डेट से बहुत चांसेस रहता है कि क्वेश्चन आपका पूछा जाए, तो ये होगा। अब रिडीमेबल डेट भी कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या, अगर कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें जिसमें टैक्स नहीं हो, तो होगा इंटरेस्ट प्लस मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय 2। देखो ये भी एमबी, ऊपर एमबी माइनस एनपी, नीचे एमबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय नीचे 2 है, ऊपर एन है, कितना टाइम होगा, बस इसी में और कुछ नहीं है। और नीचे वाला फॉर्मूला जो टैक्स के बेस्ड पर हो, एक होगा विदाउट टैक्स, एक होगा टैक्स के बेस पर, तो जो टैक्स के बेस पर होगा उसमें इंटरेस्ट के बाद सिर्फ 1 माइनस टैक्स कर देना, सेम फॉर्मूला एम बी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन और एम बी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय एन इनटू 100। ये हो गया फॉर्मूला। चलो जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है, केडी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एम बी मार्केट वैल्यू, सॉरी मैच्योरिटी या मार्केट वैल्यू कोई बात नहीं, एनपी नेट प्रोसीडिंग्स है, आई आपका एनुअल इंटरेस्ट है, एन नंबर ऑफ इयर्स है, ठीक है, ये सारा ध्यान में रखना है। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ भी दो तरीके का, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला डिविडेंड बाय नेट प्रोसीडिंग्स 200। देखो यार आपके एग्जाम में डिविडेंड भी दिया रहेगा, नेट प्रोसीडिंग्स भी दी रहेगी, 100 से मल्टीप्लाई करना है ये फॉर्मूला लगा के, और कुछ नहीं करना है। और आपका रिडीमेबल की बात करें तो डिविडेंड इंटू एम बी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, एम बी प्लस एनपी डिवाइड बाय एन, 2 × 100। देखो यही पोर्शन सिर्फ बदल रहा है, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है तो डिविडेंड आ गया, अगर कॉस्ट ऑफ डेट है तो इंटरेस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट में अगर टैक्स वाला है तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आ गया, बाकी ये जो पार्ट है ना वो सारे का सेम होता है। चलो ये देखो, अब
ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए लिमिटेड 8% परपेचुअल डेट है, ठीक है, इशू किया गया पार्पर और प्रीमियम पर, इसको आप, इसको मैंने डाल दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला सॉल्व किया हुआ, मैं आज इसको नहीं करा रहा। अब आ जाओ कैपिटल स्ट्रक्चर पे। कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है कि भैया हम किसी जगह पे अगर कहीं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कितना पैसा हम डेट का लेंगे और कितना पैसा इक्विटी का लेंगे। मतलब डेट अगर दो के रेशियो में तो इक्विटी एक होगा, या एक डेट है तो दो आपका इक्विटी होगा, ये रेशियो डिसाइड करना, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विच ए कंपनी यूज टू फाइनेंस इज ए लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। लंबे समय के लिए ऑपरेशन के लिए जब वो बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए डेट और इक्विटी का जो रेशियो है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब देखो उसके लिए कॉमन अजम्पशन है, अजम्पशन से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट और इक्विटी। जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी तो थ्योरीज में डेट और इक्विटी को ही लिया गया है। उसके बाद बोला टोटल एसेट ऑफ द कंपनी गिवन है, कोई चेंज नहीं है उसमें। द टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, भाई साहब टोटल फाइनेंस क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। फर्म कैन चेंज द डिग्री ऑफ लिवरेज आइदर बाय सेलिंग शेयर्स और रिटायरिंग डेट। बोल रहा है भाई साहब दोनों का दोनों मतलब इक्वल है, डेट भी और इक्विटी भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जो हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये माना जाता है कि वो बढ़ेगा। ऑल इन्वेस्टर्स आर अज्यूम्ड टू हैव सम एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, तो सारे इन्वेस्टर जो है उसको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा लेस देन होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ये देखो ये वाला बात है ना, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वाला होगा। कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल लेवल डेट टू इक्विटी, देखो ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों बराबर भी होगा। कैसे बराबर होगा, वैल्यू के टर्म में, अगर डेट का वैल्यू 50 है तो इक्विटी का भी वैल्यू 50 होगा, यही मान के यहाँ चलना है। द यूज ऑफ डेट कॉन्टेंट डज नॉट चेंज रिस्क ऑफ परसेप्शन इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है अगर आप डेट को यूज करते हैं तो इन्वेस्टर का परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते, तो ये कॉमन अजम्पशन थे, इसको आपको देख लेना था। चलिए उसके बाद इसमें चार तरह की थ्योरी की बात की गई है, पहला है जो है वो रिलेवेंट थ्योरी, दूसरी इररिलेवेंट थ्योरी। तो भैया बोलता है कि ये कह रहा है रिलेवेंट थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, और इररिलेवेंट थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से जो रिलेवेंट थ्योरी है उसमें दो अप्रोच आते हैं, एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। एनआई अप्रोच जो है वो क्या कहती है हम बताएंगे, एनआई अप्रोच को डेविन ड्यूरन ने दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच को सोलोमन एजरा ने दिया, फिर एनओआई अप्रोच जिसको जो बोलते हैं इररिलेवेंट वो भी डेविन ड्यूरन साहब ने दिया, और मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ने भी आपका दिया है क्या इररिलेवेंट थ्योरी अप्रोच। आइए एक एक अप्रोच की चर्चा करते हैं। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच, अजम्पशंस क्या है कि भैया जो टोटल कैपिटल है फाइनेंस का गिवन है और कॉन्स्टेंट है, बराबर है, केडी और केई बराबर होंगे वैल्यू के टर्म में। मतलब 50 रुपया अगर कॉस्ट ऑफ डेट की वैल्यू होगी तो 50 रुपया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी की भी वैल्यू होगी, और हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा कम होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगा। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर ये दो होगा तो ये एक होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका रूल की बात करते हैं, क्या कहता है मेन अप्रोच क्या है कि भैया ये बोलता है कि अगर हम डेट को बढ़ाएंगे तो डेट के बढ़ाने की वजह से मेरा क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों कॉस्ट कम होगा, क्योंकि हमको जो है डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है हमेशा, तो इसी वजह से डेट के बढ़ाने की वजह से हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा और फर्म की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वाइस वर्सा, मतलब अगर डेट को हम कम यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा और फर्म की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ये रूल बोलता है क्या, किसके हिसाब से, एन आई अप्रोच, इसको हम लोग बोलते हैं डेविड ड्यूरर साहब का पहला अप्रोच, रिलेवेंट थ्योरी, है ना। आइए दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो कहता है एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच क्या कहता है कि इन्वेस्टर सी फर्म एज ए होल दस एंड कैपिटलाइज द टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल। केओ यहाँ भी कॉन्स्टेंट माना गया है, केडी कॉन्स्टेंट है, बोल रहा है कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, जो फर्म का यूज है ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज करता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, दस द रिजल्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसका रूल क्या है, बेसिक जो मेन कारण है, बोल रहा है अगर हम डेट को बढ़ाएंगे ना तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा, डेट को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा और डेट को घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी घट जाएगा, इसलिए फर्म में कोई चेंजेस नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि डेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो डेट की वजह से क्या होगा हमको ज्यादा रिस्क हो जाएगा, रिस्क होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे हैं वो कहेंगे भैया हम क्यों रिस्क लें, हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम रिस्क लेंगे तो हमको भी कॉस्ट बढ़ाओ, मेरा भी कॉस्ट बढ़ना चाहिए, तो भाई साहब क्या फायदा होगा, एक तरफ से डेट की इंटरेस्ट का हमको बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरी तरफ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे सर पे बंदूक रख के बोलेंगे मेरा कॉस्ट बढ़ाओ नहीं तो हम नहीं लेंगे, तो इसीलिए दोनों का बैलेंसिंग हो जाएगा, इसीलिए फर्म की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो गई और इसीलिए इसको इररिलेवेंट अप्रोच कहा गया। बात
समझ में आया कि डेट हम लेंगे, जी डेट ले लिए हो गया काम, लेकिन डेट लेने की वजह से इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, तो तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा, तो शेयर होल्डर का भी रिस्क बढ़ेगा, शेयर होल्डर का जब रिस्क बढ़ेगा तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले जो होंगे बोलेंगे कॉस्ट मेरा भी बढ़ाओ, शेयर होल्डर हम अपना फालतू में रिस्क नहीं लेंगे, तुम अगर रिस्क ले रहे हो तो मेरा कॉस्ट बढ़ना चाहिए, तो इसलिए उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, तो इसलिए डेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी और फर्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये था NOI अप्रोच जिसको भी डेविड ड्यूरेंट साहब ने दिया है। तीसरा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल व्यू है, सोलोमन एजरा साहब ने दिया है और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। उन्होंने कहा कि NI और NOI अप्रोच जो है अनरियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, बोला एज पर दिस अप्रोच द फर्म शुड मेक अ जुडिशियस यूज ऑफ बोथ डेट और इक्विटी टू अचीव अ कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच मे कॉल्ड बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ना ज्यादा डेट जरूरी है ना इक्विटी जरूरी, जुडिशियस यूज होना चाहिए दोनों का, मतलब दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमल यूज करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर डेट को हम एक लिमिटेड टाइम तक लेंगे, लिमिटेड यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर डेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, इसीलिए इन्होंने क्या बोला ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात इन्होंने करी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं MM अप्रोच ने। MM अप्रोच का क्या बोला इन्होंने, ये मोदी गिलारी एंड मिलर साहब ने दिया है। इन्होंने बोला एजम्पशंस की कैपिटल स्ट्रक्चर जो है मार्केट का परफेक्ट है और सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन्वेस्टर के पास फ्री ऑफ कॉस्ट में। पहला देखो इसके एजम्पशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना कि कैपिटल स्ट्रक्चर मार्केट का परफेक्ट है और अवेलेबल है, इन्वेस्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। तीसरा पर्सनल लिवरेज और कॉर्पोरेट लिवरेज क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब पर्सनल लिवरेज को कॉर्पोरेट लिवरेज की तरह हम यूज कर सकते हैं और कॉर्पोरेट लिवरेज को हम पर्सनल लिवरेज की तरह यूज कर सकते हैं। ये बात MM गिलानी साहब ने कहा है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए और इट्स टॉक अबाउट बिहेवियरल जस्टिफिकेशन, ये बात करता है बिहेवियरल जस्टिफिकेशन की और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। तो ये क्या किसकी बात करते हैं, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लो एक तो हो गया PDF खत्म, अब आइए चलते हैं दूसरे वाले में, फाइनेंशियल पार्ट टू। अब फाइनेंशियल पार्ट टू किसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कैपिटल वेस्टिंग, कैपिटल वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कह रहा है इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी डिसाइड वेदर इट शुड इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट और नॉट, मतलब ये बोल रहा है भैया कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कैपिटल बस्टिंग का टेक्निक्स के थ्रू हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो हमको फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट, जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका रिटर्न बेनिफिट हमको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, द टर्म कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट टू वर्ड्स, कैपिटल एंड बजटिंग है ना, एक कैपिटल बजटिंग, कैपिटल मीन्स द करंटली अवेलेबल विद द कंपनी एंड बजटिंग मीन्स द प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज फंड्स इन अ प्रोजेक्ट, है ना जी सर। तो ये कह रहा है बेसिकली, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि अगर मान लो 10 लाख रुपया है, ठीक है 10 लाख रुपया है और ये क्या है 15 लाख है, हमने 5 साल तक इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके बाद कितना रिटर्न हमको जल्दी आ जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग कि भैया आज हम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर वाले टाइम में हमको कितना रिटर्न आएगा। आइए उसके बाद अब देखिए कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस, कई बार आपके क्वेश्चंस में आपको पूछा गया होगा कि कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या है, क्या है कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या है, तो कैसे कैसे हम कैपिटल बजटिंग करते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को, हमारे पास कितनी आसपास की अपॉर्चुनिटीज है, कितना हमारे पास हमको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, उसके बाद उसको हम इवेल्युएट करते हैं, असेंबल करते हैं वो सारे प्रपोजल्स को, फिर उस बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करके फिर परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं या असेंबल करते हैं अपने प्रपोजल्स को। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की, तो क्या क्या फीचर्स है, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है क्या कैपिटल बजटिंग रिवर्सिबल डिसीजन है या इरिवर्सिबल है। तो भाई साहब कैपिटल बजटिंग हमेशा इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, क्यों, क्योंकि एक बार हमने किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ह्यूज फंड की जरूरत पड़ती है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, अफेक्ट करता है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, डिफिकल्ट डिसीजन है, एस्टिमेट ऑफ लार्ज प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, अफेक्ट करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर, इररिलेवेंट डिसीजन है ना। तो ये बात हो गई। आइए कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात करें, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अगर बेसिक की बात करें तो किस किस जगह पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के आधार पर अगर हम बात करें तो तीन जगह तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक तो होता है रिप्लेसमेंट डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कंपनी क्या कर रही है कि थोड़ा सा मॉडर्न पुराना टेक्निक हो गया है, तो आप उसको अपग्रेड करके रिप्लेस करेगी, मॉडर्नाइजेशन पे जाएगी, नहीं तो उसको बोलते हैं। दूसरा, अगर मान लो आपके आपके पास पैसे ज्यादा हो गए तो आप क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे, अपनी ही कंपनी में एक्सपेंशन करोगे, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, उसके बाद सॉरी नया प्रोडक्ट हाँ नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। उसके बाद तीसरा हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन, जहां आप नई प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऐड करते हो। तो ये तीनों का तीनों बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि अगर मेरा मेरा खुद का एग्जिस्टेंस, मतलब मैं कंपनी चला रहा हूं और उस दौरान मुझे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम यहां इन्वेस्ट कर लेंगे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, भाई साहब दो तरीके के डिसीजन होते हैं। एक तो होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट, मतलब अगर आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, इफ यू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट देन यू हैव टू रिजेक्ट अदर्स, मतलब एक प्रोजेक्ट को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा ऑलरेडी खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट में आप जिसको चाहे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात करें तो एक अगर आपने एक्सेप्ट किया तो दूसरा रिजेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आइए ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी अगर हम बात करें आपको दिखा, ये आपका पुराना नोट है, इसीलिए बस आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, यह ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की बात करें तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो तरीके की टेक्निक्स आती है। सबसे पहले अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, क्या होता है पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और मॉडर्न की बात करें तो एनपीवी, आईआरआर और मॉडिफाइड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है जो आईआरआर के अंतर्गत ही आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेबैक पीरियड की। देखो नाम पे जाओ, पे बैक, कि जितना हमने पे किया उसका बैक में कितना आ रहा, पे बैक कितना करेगा वो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने 10 लाख रुपया अभी लगाया है एक इन्वेस्टमेंट पे, तो हर साल वो अगर 2 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है, तो 5 साल में कितना रिटर्न आ जाएगा, मेरा टोटल पैसा आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। और अगर 2.5 लाख रुपया दे रहा है तो कितने साल में आ जाएगा, 4 साल में आ जाएगा। और अगर 3 लाख रुपया दे रहा है तो कितना साल में आ जाएगा, 3 साल 3 महीने में आ जाएगा। ऐसा है क्या, नहीं। ये जो पेबैक पीरियड है ना वो फिक्स्ड मंथ की बात करता है कि फिक्स मंथ में पैसा आ जाएगा। अगर छोटा मोटा मंथ होगा जैसे 0.3 मंथ, ऐसा इसको कंसिडर नहीं करता है। इसीलिए कभी भी अगर हम पेबैक पीरियड की बात करें तो वो ये तो बोलेगा शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज रिक्वायर्ड, मतलब कितना जल्दी पैसा मेरे पास वापस आ जाए। और एक चीज और बता दूं, पेबैक पीरियड जो है कभी भी ऑल कैश फ्लोस को कंसीडर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ये सोचता है कि कितना जल्दी से जल्दी 10 लाख मेरे पास आ जाए। 10 लाख से ज्यादा जो पैसा आता है, मतलब प्रॉफिट के तौर पर 2.5 लाख 5 लाख और एक्स्ट्रा जो आ गया उसको वो कंसीडर नहीं करता है। इसीलिए तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ 10 लाख रुपया लगाया, 10 लाख लगाया और ये सोच रहा है कि 4 साल में मेरा पैसा जल्दी से जल्दी 2.5 लाख करके वापस आ जाए। और इसको पैसा कितना साल तक मिलना है, 5 साल तक, तो 2.5 लाख रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट को वो कंसीडर नहीं करता है, वो सिर्फ सोचता है कि कितना से जल्दी जल्दी मेरा पैसा वापस आ जाए। आइए देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है पेबैक पीरियड क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल्स क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस टू बी इक्वल इट्स कैश आउटफ्लोस। शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि सबसे पहला पैसा मेरा कितना वापस आ जाए। देखो डिसीजन रूल इसका समझो, कह रहा है पेबैक पीरियड ज्यादा होना चाहिए टारगेट पीरियड से। मतलब अगर हमने ये सोचा कि पेबैक पीरियड मेरा पैसा मेरा 5 साल में आएगा और आज 4 ही साल में जा रहा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेबैक पीरियड कम होना चाहिए, सॉरी पेबैक पीरियड कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर पेबैक पीरियड होगा तो रिजेक्ट कर देना प्रपोजल को। मतलब या अगर आपने ये सोचा कि आपने सोचा था मेरा पैसा जो है वो 4 साल में आएगा और आ रहा है 6 साल में, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दोगे। बोल सही रहा था, लिखा हुआ यहाँ पे ऊपर, मैंने गलत नीचे वाला बोल रहा था। तो पेबैक पीरियड में क्या ध्यान रखना है कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी कितना वापस आ जाए। तो इसीलिए कहा गया पेबैक पीरियड में शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड, मतलब जितना छोटा जितना जल्दी पैसा मेरा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न आ जाएगा, तो वैसा प्रपोजल को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो टारगेटेड पीरियड क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी सर। चलिए इसका फॉर्मूला क्या है पेबैक पीरियड का, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय क्या बोलते हैं कैश एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल कितना पैसा आ रहा है ना,
कैश आउटफ्लो, पैसा तो एक बार में 10 लाख हम लगा दिया इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हर साल पैसा मेरा 2.5 लाख करके 10 लाख रुपए 4 साल में आ जा रहा है और टोटल हमको 5 साल तक पैसा मिलेगा। तो 4 साल तक जो पैसा आएगा उसी को ये कंसिडर करेगा, 5वां साल वाला को कंसिडर नहीं करेगा। देखो इसका लिमिटेशन क्या है, इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, सारे कैश फ्लो को नहीं कवर करता है, अभी मैंने बताया सारा कैश फ्लो नहीं करता है, सिर्फ उतना ही तक करता है जितना आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, फिर नेग्लेक्ट करता है प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, नेग्लेक्ट क्या करता है प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। चलो उसके बाद है ARR, ARR है दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस्ड होता है। इस पे इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, ये होता है ARR का फॉर्मूला। डिसीजन रूल का रूल क्या है भैया, कि अगर हमारे पास मान लो सिंगल प्रोजेक्ट है, अगर मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है तो हम एक्चुअल रेट्स को प्री स्पेसिफाइड रेट से मैच करेंगे, और प्री स्पेसिफाइड रेट वो रेट होता है जो हम पहले डिसाइड करे होते हैं। अगर मान लो एक्चुअल रेट मेरा 8% है और प्री स्पेसिफाइड रेट 12% है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कि इतना हमको मिलेगा। और एक्चुअल रेट अगर कम होगा, प्री स्पेसिफाइड ज्यादा होगा, तो हम प्रपोजल को क्या करेंगे भाई साहब, रिजेक्ट कर देंगे। क्या जी सर, चलिए अगर बोल रहा है मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है मतलब प्रोजेक्ट विद, अगर एक प्रोजेक्ट है तब तो भैया जो एक्चुअल मेरा रेट है, ठीक है, प्री स्पेसिफाइड रेट से अगर वो ज्यादा रहा तब तो हम क्या करेंगे भाई साहब, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर एक्चुअल रेट कम रहा तो रिजेक्ट कर देंगे। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, तो हाईएस्ट ARR को हम लोग कंसीडर करेंगे, जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा हम वो प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे। लिमिटेशंस इसके भी क्या है, कि इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और बेस्ड किस पे है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। तो ये ध्यान रखना ARR और पे बैक पीरियड दोनों को, दोनों जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। अब चलो चलते हैं काम, डिस्काउंटिंग टेक्निक पे। डिस्काउंटिंग टेक्निक की अगर बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, NPV। पानी पी लेते यार, है ना, आधा घंटा हम लोग का खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। देखो थोड़ा फास्ट होगा, है ना, क्योंकि ये रिवीजन है, तो रिवीजन में थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, है ना। तो क्या कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या कह रहा है, डिसीजन ऑलवेज किस पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पे। मतलब कैलकुलेट कैसे करना है प्रेजेंट वैल्यू को, तो NPV इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। डिसीजन रूल क्या है, कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो एक्सेप्ट कर लो। सीधा सीधी बात है ना यार, कैश इनफ्लो मतलब पैसा जितना मेरे पास आ रहा है, और हम कैश आउटफ्लो मतलब जितना पैसा हम लगाए हैं, जितना पैसा लगाए हैं उससे ज्यादा अगर हमको रिटर्न आ रहा है तो भैया हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर कैश इनफ्लो मेरा क्या होगा, कम होगा आउटफ्लो से, तो भैया हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, पैसा हम 10 लाख लगाएंगे और हमको 8 ही लाख मिलेगा, तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। और ये हो गया सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, और अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पास हैं तो सबसे ज्यादा NPV जो दे रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लिमिटेशन इसके भी है कि ये इन्वॉल्व डिफिकल्ट कैलकुलेशन है इसमें, और ये कभी भी एक्यूरेट डिसीजंस नहीं दे सकता है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स इक्वल नहीं हो। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स इक्वल हो तो रिजल्ट देगा, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो है डिस्काउंटेड मेथड है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं जिसको हम लोग डिजायरेबिलिटी फैक्टर पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है PI का, डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंडेक्स बेनिफिट इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये 3 नाम है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये हो गया। डिसीजन रूल्स क्या है, सही है, NPV अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, NPV अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो। सीधा सीधी बात है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव रहना चाहिए तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट, ठीक है। अब कैसे NPV पॉजिटिव होगा पता चलेगा, देखो कैश इनफ्लो 1.5 हुआ और कॉस्ट क्या कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 1 हुआ, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है टोटल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल कैश आउटफ्लो। अगर 1.5 है कैश इनफ्लो और 1 है कैश आउटफ्लो, तो मतलब 0.5 पॉजिटिव में, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर कैश इनफ्लो मेरा 0.5 है और आउटफ्लो 1 है तो माइनस नेगेटिव में है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। और तीसरा जो है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। IRR को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। IRR इज दैट डिस्काउंट रेट वेयर NPV 0 है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, 1 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनटू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब देखो इसका डिसीजन रूल क्या है, बोल रहा है अगर IRR रेट ज्यादा है प्री डिटरमाइन से तो एक्सेप्ट कर लो, और IRR रेट कम है तो रिजेक्ट कर दो। और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होगा कि हाईएस्ट IRR शुड बी एक्सेप्टेड, जिसका ज्यादा IRR होगा उसको हम
एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखो अब उसके बाद एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब जहां हम अपने वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है ना वो, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो जब हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सारे चीजों को हम मैनेज करने की बात करते हैं। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है, तो भैया ये पढ़ लीजिए पहले सर। क्या इसको बोलते हैं क्या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब सिर्फ करंट एसेट्स की बात करें तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बोलते हैं लॉन्ग टर्म को, या टेम्पररी और वेरिएबल कैपिटल बोलते हैं शॉर्ट टर्म को। ध्यान में रखिएगा ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद क्या, उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटजी है ना, बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अप्रोच है फाइनेंसिंग मिक्स का वो किस अप्रोच पे काम करती है। तो तीन अप्रोच होते हैं, एक होता है कि हेजिंग या मैचिंग अप्रोच जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कंजर्वेटिव, और तीसरा होता है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच वो अप्रोच को बोलते हैं जब शॉर्ट टर्म कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और कंजर्वेटिव अप्रोच बोलता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म और दोनों लॉन्ग टर्म में किया जाता है। और मैचिंग अप्रोच कहा जाता है जब लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से लिया जाता है। तब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये बात सिंपल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल खत्म। अब देखो वाई वर्किंग कैपिटल, क्यों वर्किंग कैपिटल लेता है भाई, ड्यू टू ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के लिए, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे जाते हैं, फिर क्रेडिट सेल होता है, फिर कैश आता है, और इसी तरीके से ये सर्कुलेट होते रहता है। कह रहा है इस प्रोसेस में टाइम लगता है इसलिए वर्किंग कैपिटल की नीड अराइज होती है। तो दो तरीके के वर्किंग कैपिटल, कौन का, ग्रॉस और नेट। नेट में होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ग्रॉस। अब वर्किंग कैपिटल जो होते हैं वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होता है, जिसको परमानेंट को फिक्स वर्किंग कैपिटल बोलते हैं और वेरिएबल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ये क्या है, ये सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स को ना दो तरीके से बात किया गया है, नो कॉस्ट सर्विस और कॉस्ट सर्विस। देखो जो नो कॉस्ट सर्विस है उसको स्पॉन्टेनियस नेचर का कहा गया है क्या कैपिटल, और जो वर्किंग कैपिटल, और जो कॉस्ट सर्विस है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए होता है। तो अगर बात रखो मतलब अगर स्पॉन्टेनियस नेचर का तो ऑन स्पॉट पैसा मिल जाए इसकी बात करी गई है, और अगर लॉन्ग टर्म में है तो लॉन्ग टर्म लोन डेट की बात करी गई, और शॉर्ट टर्म में कैश क्रेडिट बात करी गई है। अब देखो ये अप्रोच की जो मैं बात कर रहा था, तीन तरह के अप्रोच है जी सर। सबसे पहले कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या बोला, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को और ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को बोथ आर टेकन फाइनेंस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। अब दोनों लॉन्ग टर्म क्या करते हैं ले लेते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी और टेम्पररी भी, मतलब यानी लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म से ले लिया, तो कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। एग्रेसिव अप्रोच वो अप्रोच होता है जब परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को ही लॉन्ग टर्म कहा जाता है, ये बात मैंने ऊपर बताया, और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को ही हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, ये भी बात मैंने बताया। तो यहां एग्रेसिव अप्रोच में शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस लेगा, क्या करेगा, शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस लेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों वाला। और कंजर्वेटिव अप्रोच में दोनों लॉन्ग टर्म से लेगा, ये बात ध्यान रखिए, कंजर्वेटिव में दोनों लॉन्ग टर्म से लेगा और अग्रेसिव में दोनों शॉर्ट टर्म से लेगा। लेकिन अगर बात करें मैचिंग या हेजिंग अप्रोच की, तो लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से फाइनेंस लेगा और शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म से फाइनेंस लेगा, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद डिविडेंड की थ्योरीज। डिविडेंड की थ्योरीज की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को क्या बोलता है, डिविडेंड बोला जाता है। ये डिसाइड करती है कि कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा, कि प्रॉफिट ये कहां होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि भैया कितना हम लोग शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब प्रॉफिट की बात करें तो भैया डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है और अपने पास रिटर्न कितना करना है रखना है। अगर डीपी रेशियो की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना मतलब होता है डिविडेंड पेआउट रेशियो, कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको कहा जाता है, और अगर रिटेन्ड कितना अपने पास रखना है उसको कहा जाता है रिटेंशन रेशियो। चलिए अगर जब हम डिविडेंड पॉलिसी पढ़ेंगे तब दो टाइप्स के रेट्स आएंगे, कौन कौन से रेट्स आएंगे, एक आएगा आर और एक आएगा के। आर बोलते हैं कंपनी अर्निंग रेट को, कि कंपनी कितना पैसा खुद कमाती है, और के बोलते हैं शेयर होल्डर अर्निंग रेट को। ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर अर्निंग रेट मतलब शेयर होल्डर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे क्या अर्निंग कर रहा है, और आर मतलब कंपनी जो शेयर होल्डर से पैसा ले रही है ना तो उसके बिहाफ पे वो क्या कमा के दे रही है, इसी को बोलते हैं कंपनी अर्निंग रेट। अब देखो डिविडेंड को लेकर दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक होता है कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने या ना पे करने पर मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है, या ठीक है पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच कहती है कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने या ना पे करने का मार्केट वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है किस पे, अर्निंग से। किसे पड़ता है, अर्निंग से। तो ये ए हो गया रिलेवेंट, ये हो गया इरेलेवेंट डिसीजन। चलो अब देखो डिविडेंड का कौन, वाल्टर मॉडल है। वाल्टर मॉडल क्या बोला,
देखो द वाटर मॉडल एक्सप्लेन्स अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन आर रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और डिविडेंड पॉलिसी। अजम्पशन क्या है, देयर इज ओनली इंटरनल फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग यूज करना है, नो डेट नॉट इक्विटी। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, आर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे करेंगे, जो दोनों कॉन्स्टेंट है। फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, मतलब इनफिनाइट लाइफ है फर्म का, है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए अब देखो रिलेवेंट अप्रोच क्या कहता है, वाल्टर मॉडल का रिलेवेंट अप्रोच क्या कहता है, इसको बात समझिएगा पहले, ठीक है। मतलब मैं टोटल रिलेवेंट अप्रोच आपको समझा देता हूं पहले। देखो रिलेवेंट अप्रोच कहता है तीन तरीके की बात, क्या क्या कहता है कि आर अगर कई से बड़ा है, मतलब फर्म जो है वो ज्यादा पैसा कमा रही है किससे, शेयर होल्डर से। अगर शेयर होल्डर से फर्म ज्यादा पैसा कमा रही है तो उसको ग्रोथ फर्म बोला जाता है, और जिसमें कहा जाता है कि अगर फर्म ग्रोथ वाली है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना कि अगर फर्म ग्रोथ वाला है तो डिविडेंड पे आउट क्या होगा, अगर फर्म ग्रोथ वाला है तो काहे के लिए डिविडेंड दोगे, तुम इन्वेस्ट करो और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाओ, इसीलिए इसको 100% रिटेंशन रखना चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर फर्म ज्यादा कमा रहा है, सॉरी शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहे हैं और फर्म कम कमा रहा है, तो इसको डिक्लाइनिंग फर्म बोला गया है कि फर्म डिक्लाइन कर रही है, और उसमें क्या करना चाहिए, पे डिविडेंड पे आउट 100% रखना चाहिए, रिटेंशन 0%। और अगर दोनों बराबर कमा रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप क्या कर सकते हैं। इसी पे बेस वाल्टर और गॉर्डन मॉडल है, आइए इसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए अब क्या है इसका अजम्पशन सुनिएगा, ऑल फाइनेंसिंग किससे, रिटेन अर्निंग से होगा, आर और केई दोनों बराबर है, ईपीएस डीपीएस कांस्टेंट है, परपेचुअल लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ है, और नो फ्लोटेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये अजम्पशन इसको याद रखिएगा, देखिएगा। चलिए तीन सिचुएशन यहां भी आ रहा है, क्या आर ज्यादा बड़ा है, ग्रोथ फर्म, डीपी रेशियो क्या होगा, अगर फर्म ग्रोथ है तो डिविडेंड पे आउट कुछ नहीं करना है, रिटेंशन 100% करना है, लेकिन अगर आर छोटा है यानी कंपनी कम कमा रही है तो डिक्लाइनिंग फर्म 100% क्या होगा, डिविडेंड पे आउट 0% रिटेंशन, और आर अगर बराबर है तो इंडिफरेंट है, एनी कुछ भी अपना सकते हैं। ये वाल्टर मॉडल ने भी यही कहा है, क्या कहा, सेम यही कहा। अब वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू डीपीएस प्लस ई माइनस डी, यानी कि ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर डिवाइड बाई के और होल डिवाइड बाई के, इसको के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर बराबर इंटरनल रेट, इक्वल टू ईपीएस और डी इक्वल टू डीपीएस होता है। चलिए अब जो है दूसरा है गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा, गॉर्डन मॉडल भी सेम ऐसे ही कह रहे हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या कहा कि रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट एंड द ग्रोथ रेट जी इक्वल टू, ये इन्होंने ग्रोथ की बात की, क्या बात करी, ग्रोथ की बात करी। अब देखो इनका जो अप्रोच है कहने का समझना, इनको बॉड इन हैंड थ्योरी क्यों कहते हैं ये भी आज प्रूफ करते हैं। देखो आर क्या है, बड़ा है, आर बड़ा है तो ग्रोथ फर्म 0% डीपीओ 100% रिटेंशन, लेकिन आर अगर छोटा है तो डिक्लाइनिंग फर्म, ये तो वाल्टर मॉडल की तरह ही है। लेकिन जो वाल्टर मॉडल में थर्ड अप्रोच कहा था, थर्ड चीज कही थी कि आर दोनों फर्म अगर बराबर कमा रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड है, यहां वो बात नहीं है। गॉर्डन मॉडल कहते हैं कि नहीं, अगर फर्म के बराबर शेयर होल्डर्स भी कमा ले रहा है तो फर्म को क्या करना चाहिए कि पैसा दे देना चाहिए, या फिर शेयर होल्डर्स को पैसा मांग लेना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स क्यों पैसा मांगेगा, शेयर होल्डर्स कहता है कि अगर तुम अभी मेरे इतना कमा रहे हो सकता है फ्यूचर में तुमसे कम कमा लो, तो इसीलिए बॉड इन हैंड बेटर देन द बुश कहा गया है कि जो जो चिड़िया है वो हमारे हाथ में आ जाए ताकि कांटा में ना फंसे, मतलब हम लोग फंसे नहीं, पैसे पहले आ जाए हमारे पास, ठीक है, इसीलिए इसको बर्ड इन बेटर देन द बुश कहा गया, बर्ड इन हैंड भी कहा गया है। चलिए इसका फॉर्मूला था P0 EPS 1 माइनस D K माइनस G इज इक्वल टू BR, B होता है ग्रोथ और R होता है रिटेंशन, फॉर्मूला ये याद रखिएगा। अब MM अप्रोच की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत कुछ आता है। अजम्पशन MM अप्रोच, इन्वेस्टर क्या है, रैशनल है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, जीरो टैक्स एनवायरमेंट है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अर्निंग परपेचुअल एंड कंसिस्टेंस है, डिविडेंड पे आउट 100% है, इन्वेस्टर कैन बोरो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नॉन अनकॉन्स्टेंट है, दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, डेट और इक्विटी, जो जिसमें डेट क्या है लेस रिस्क है, नो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस रिस्क में, ये बात है। और ये जो है बात करते हैं अच्छा ये खत्म हो गया बस, इसमें ये जो है ना मोदी गिलानी मिलर, ये बात आर्बिट्रेज प्रोसेस करते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आए लिंटर मॉडल, लिंटर मॉडल में दो चीजें हैं बस और कुछ नहीं है, क्या टारगेट पे आउट रेशियो की बात करता है और स्प्रेड एट विच करंट डिविडेंड पे आउट है ना, ये इसमें अब देखो खत्म हो गया, डिविडेंड एडजस्ट क्या है बस खत्म, डिविडेंड में था क्या वाल्टर मॉडल, आइए तो फिर क्या करते हैं बैंकिंग की शुरुआत करते हैं ना, ये जी सर। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक ओवरव्यू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो आइए मैं आपको एक चार्ट के थ्रू से सारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझाने की कोशिश करता हूं है ना जी, क्योंकि रिवीजन क्या करना है बहुत बेसिक्स करना है। ये देखिए समरी चार्ट है, टोटल समरी चार्ट समझते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें, सॉरी फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें,
तो फाइनेंशियल सिस्टम में वो सारा सिस्टम आ जाएगा, उस सारे स्ट्रक्चर की बात की जाती है जहां फाइनेंस रिलेटेड है ना, पूरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी जा रही है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसमें चार तरीके, चार स्ट्रक्चर बात की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जिसमें अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सारे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड अपना ट्रांजेक्शन करते हैं जी। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे आप शेयर्स की परचेजिंग ट्रेडिंग करते हैं, है ना जी। तीसरा होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हो जिसके तहत आप क्या करते हो, जहां शेयर्स परचेज, शेयर्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स। देखो अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो दो तरीके की मार्केट की बात होती है, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में वो मार्केट होता है जहां हम परचेज को, शेयर्स को क्या करते हैं, परचेज और शेयर क्या कहते हैं, परचेज और सेल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए परचेज को शेयर और ये करना होगा तो सेल और परचेज करना होगा तो उसके लिए मनी मार्केट है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पार्ट हो जाता है किसका, कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में दो मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो वो ये मार्केट होता है जहां पे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, जब शेयर को हम पहली बार ऑफर करते हैं। और आपकी सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वहां वैसा मार्केट है जहां पुराना जो है शेयर है, पुराना प्रीवियस शेयर जो इशू किया हुआ है उसको हम परचेज और शेयर सेल करते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो बैंकिंग होता है, नॉन बैंकिंग होता है, म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस है। तो अब देखो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल थर्ड में मेंशन किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए अगर हम टाइप्स को बैंक्स की बात करें, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात करें तो सेक्शन 4B में बैंकिंग है, सेक्शन 2 में बैंकिंग कंपनी है, सेक्शन 7 में बैंक, बैंकर्स का वर्ड्स यूज किया गया है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ बैंक्स की बात करें तो आइए शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। सबसे पहला बात, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया था, 1829 और 32 में इसका ये खत्म हो गया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ 1786 में, 1791 में फेल्ड हो गया। अब ऑरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तीन बैंक को एस्टेब्लिश की थी, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था, जिसको जो है 1809 में क्या बना दिया, बैंक ऑफ बंगाल बना दिया। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और इन तीन बैंक को क्या बोला गया, प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया, क्या प्रेसिडेंशियल बैंक बोला गया। और इन तीनों बैंक को बाद में 27 जनवरी 1921 को मर्ज किया गया और इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी बैंक को 1955 में नेशनलाइज किया गया, 1955 में नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अभी काम कर रहा है। 1960 में SBI के साथ जो है 7 एसोसिएटेड बैंक मर्ज हुआ, जिसमें जिसको दिया गया क्या, एसोसिएट बैंक बोला गया SBI का। और उसके बाद एसोसिएट बैंक जो हुआ 2008 में स्वराष्ट्र एसोसिएशन बैंक मर्ज हुआ, 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक मर्ज हुआ, 2017 में मोर बैंक जो थे पांच और बैंक विद भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया गया। तो इतने सारे जो कहानी थी वो SBI की थी। अब आ जाओ अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक की बात करें तो 1865 ईस्वी में ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ आता, पंजाब नेशनल बैंक 1984 में लाहौर पाकिस्तान के साथ आया था, लाला लाजपत राय इसके फाउंडर थे, ये बात याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, 21 दिसंबर को बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 में, है ना ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आपका 20 जुलाई 1908 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1919 में 11 नवंबर को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 अप्रैल 1935 को आया था, और 1934 में इसका एक्ट आया था RBI Act 1934, RBI नेशनलाइज जो 1 जुलाई 1950 को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 को, 1949 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अब करते हैं पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड की, उसमें से देखिए 1969 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिसमें बोला गया कि 50 करोड़ से जिसका ट्रांजेक्शन है बैंक का या एसेट है उससे ऊपर जाते कि जो भी बैंक कैपिटल होगा, जिसका कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा होगा वो सारे बैंक को नेशनलाइज कर दो। उसके लिए 14 बैंक थे और ये 14 बैंक आपको 14 मेजर बैंक थे, ये सारा डिटेल दिया हुआ एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को जब आपका 6 बैंक और नेशनलाइज किया गया, जिसमें 200 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1993 में बाद में जो 14-6-20 बैंक हो गए, 20 में से फिर जो है वो 19 बैंक को क्या कर दिया गया, सॉरी एक बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया PNB के साथ। अब बचे 19 बैंक, है ना, कितने बैंक बचे, 19 बैंक। अब देखो 1991 के बाद की कहानी क्या हुई, बोला गया नो नेशनलाइजेशन पीरियड, क्योंकि 1991 में ना नरसिम्हम कमेटी आई थी, और नरसिम्हम कमेटी जो आई थी उन्होंने बात क्या बोला कि भैया नेशनलाइजेशन नहीं करना है, है ना, बहुत सारी चीजों को लिबरलाइज करने की बात करी गई है ना,
ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, 10 प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिला, ठीक है, आरबीआई को, जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ये सारे बैंक को। उसके बाद कोटक महिंद्रा और यस बैंक को लाइसेंस मिला आरबीआई से 2003-04 में। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्वायर कर लिया रिजर्व बैंक का स्टेक, है ना, एसबीआई, ठीक है, ये हो गया। 2013 में महिला भारतीय बैंक आई 1000 करोड़ के साथ। 2014 में आरबीआई ग्रांट किया आईडीएफसी बैंक को, ठीक है, ये वाला चीज। 1/4/2017 को क्या हुआ, जो सारे बैंक थे, 5 बैंक एसबीआई के एसोसिएट और उसके साथ भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया गया। विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गया 1/4/2019 के साथ में, है ना। चलिए 30 अगस्त को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक के साथ मर्ज किया जाना है, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है वो और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मर्ज हो गया पीएनबी के साथ। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सिंडिकेट बैंक जो है मर्ज हो गया कैनरा बैंक, और अलाहाबाद बैंक हो गया इंडियन बैंक के साथ मर्ज, जिसको इफेक्ट में 1/4/2020 से आना था। ये हो गई बैंकिंग की हिस्ट्री। अब चलिए रीजनल बैंक की बात करें, तो अगर आरआरबी की बात करें तो दो बात याद रखिएगा, 1975 में एक्ट आया, 1975 में शुरुआत हुई, आरआरबी एक्ट 1976 की बात में आया है ना। ये देखो ऑनरशिप और स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल का जो है 50% है, स्पॉन्सर बैंक का 35%, गवर्नमेंट कितना है 15%। पीजीटी कॉमर्स में ये सवाल पूछा गया, इसको याद रखिएगा। चलिए हिस्ट्री ऑफ आरआरबी की अगर हम बात करें तो आरआरबी एक्ट 1970 बना, और ये जो है पास्ट ऑर्डिनेंस हो गया था 26 सितंबर 1975 को, ठीक है। 5 आरआरबी जो है सेटअप किया गया 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके साथ आपको क्या करना है कि अभी 43 करंट रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में। चलिए उसके साथ सीआरएआर की बात की गई, कितना रखा जाए 9%, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी आपको। चलिए और क्या बात करें, हाँ फंक्शंस क्या क्या बात किया गया, सेम जो बैंक कमर्शियल बैंक करती है वो सारा फंक्शंस की बात की गई, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बेस सेकेंडरी फंक्शंस ये सब कुछ नहीं। अब आया टंडन कमेटी का रिकमेंडेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस में बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, उसमें से सबसे पहला जो मेन रिकमेंडेशन है ये वर्किंग कैपिटल गैप को लेकर है, तो जिसमें हमें ये पूछना होता है कि लेंडिंग नॉर्म्स में मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कितना करना है। कि हम पहले क्या होता था, ध्यान समझिए, जब ये नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली बैंक में जाते थे, बैंक वाले को बोलते थे भैया हमको इतना लोन चाहिए, और लोन वो दे देता था। लेकिन जब से ये कमेटी बनी, ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं टंडन कमेटी, तो जब से ये कमेटी बनी उन्होंने बोला ऐसा नहीं, लोन ऐसा नहीं दिया जाएगा। लोन देने का तरीका क्या होगा कि आप ये देखेंगे पहले कि सामने वाला जो है अपने खुद का कितना पैसा लगा रहा है, और उस बेस पर आप क्या करेंगे, लोन को डिसाइड करेंगे। इसीलिए उन्होंने वर्ड नाम दिया MPBF, मतलब मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, कि बैंक भी कितना फाइनेंस करेगा इसका भी एक लिमिट होगा, इसका भी एक नॉर्म्स होगा, इसका रूल होगा। और इसके तहत उन्होंने तीन रूल बना दिया, तीन मेथड बना दिया। सबसे पहला मेथड जो है वो क्या कहता है, वो बोलता है कि भैया कितना आपको करंट एसेट चाहिए बोरोवर के द्वारा, ये बात आपको पूछना पड़ेगा। बोलेगा 50,000 चाहिए, 50,000 में आप करंट लाइबिलिटी आपको देखना है कि उसका करंट लाइबिलिटी कितना है, बैंक के बोरोइंग को छोड़कर, एक्सक्लूड कर देना, इंक्लूड नहीं, है ना। तो इसका बता वर्किंग कैपिटल गैप, अब जो इसमें से आएगा उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप कितना, 40,000 हो गया। 40,000 में अब उसको पूछना है कि तुम कितना पैसा लगा रहे हो, बोला 25%, तो 25% तुमको पैसा लगाना है, तो बचा कितना 30,000। यही पैसा अब आपको मिलेगा, मतलब 50,000 वो लेने गया था, वो लेके कितना आ रहा है 30,000 रुपए। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड बोला कि भैया कितना करंट एसेट्स का आपको जरूरत है। करंट एसेट मतलब क्या, चूंकि पैसा जो है वो बिजनेस चलाने के लिए दिया जाता है ना, तो वो करंट एसेट्स में कैसे करा, बोला हमको 50,000 चाहिए। तो बोला फिर ठीक है 50,000 आपको चाहिए तो 12,500 पहले खुद लगाइए। उसमें क्या बोला था, जो आपको बोरोवर जो पैसा लेके आएगा वो लास्ट में लगाया था, लेकिन ये सेकंड मेथड है तो इस तरह से बोला क्या 12,500 आप लगाइए, ठीक है, उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए, कि करंट लाइबिलिटी जो आपने बैंक से ले रखा है उसको माइनस कीजिए 10,000, अब कितना पैसा आपको देगा 27,500। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड बोला कितना पैसा चाहिए, बोला 50,000 चाहिए, उसमें से कोर करंट एसेट्स कितना मान लिया 4,000 रुपया, तो 46,000 बैलेंस बचा। 46,000 में आपको कितना पैसा आपको लगाना है, 25% आपको लगाना है, 11,500 आप लगाए, 34,500 बचा। 34,500 में से करंट लाइबिलिटी आपका कितना है भैया 10,000 है, 10,000 है तो आपको पैसा कितना मिलेगा, बैंक फाइनेंस आपको 24,500 कर सकती है। तो ये बैंक के फाइनेंस करने का तरीका पे इन्होंने काम किया, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें चोर कमेटी के, तो चोर कमेटी जो है 1979 में आया, बस यही याद रखिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों करती है, ताकि वो आपको मेंटेन कर सके प्राइस स्टेबिलिटी को। प्राइस कैसे बढ़ता है, प्राइस कैसे घटता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर
मान लो 100 रुपए का अमाउंट है, ठीक है, 100 रुपया हमको जरूरत है और हमको मिल गया 110 रुपया, 110 रुपया मिल गया तो क्या करोगे तुम, ज्यादा में सामान खरीदोगे। जब ज्यादा में सामान खरीदोगे तो भैया क्या होगा, परचेजिंग पावर तुम्हारा बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। परचेजिंग पावर तुम ज्यादा सामान खरीदोगे तो भैया ज्यादा रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे और गरीब नहीं खरीद पाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, जब परचेजिंग मान लो 100 रुपए का तुम्हें जरूरत है और तुम्हें मिल गया 90 रुपया, तो तुम क्या करोगे, कम रेट में खरीदना चाहोगे, और कम रेट में खरीदना चाहोगे तो क्या होगा सर, प्रोड्यूसर को सही पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर प्रोड्यूसर को सही पैसा नहीं मिल पाएगा तो परचेजिंग पावर तुम्हारी कम हो जाएगी, तुम सब कुछ कम, डिमांड कम होगा, फिर से ये सारी चीजें जब कम होगी तो प्रोड्यूसर को पैसा कम मिलेगा, और प्रोड्यूसर को पैसा कम मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो जीडीपी नहीं तुम्हारी बढ़ पाएगी। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आइए तो ये बात ध्यान रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात अगर करें तो ये 2016 में बनी थी, इसमें बता बात क्या हुआ था, तीन 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 गवर्नमेंट के पर्सन, तीन जो थे वो आरबीआई के पर्सन थे, और मिलकर 6 लोगों की कमेटी बनी थी। कौन कौन थे, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक ऑफिसर, और बाकी तीन जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उस पर्सन को। आप देखो क्वांटिटेटिव मेजर्स था, क्वालिटेटिव मेजर्स था। बैंक रेट वो रेट होता है जो रेट पे आरबीआई जो है पैसा देती है ना, ये उसको बैंक रेट बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो जो शेयर परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज परचेज करते हैं आरबीआई से, उसको कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेट पर आरबीआई के पास कुछ पैसा क्या करती है, कमर्शियल बैंक रखती है, उसको बोलते हैं क्या, कैश रिजर्व रेशियो। और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं जो एक एनडीटीएल का वो पार्ट जो जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है उसको बोलते हैं SLR। उसके बाद है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट उसको बोलते हैं रीच परचेज ऑफर रेट, मतलब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो जाती है आरबीआई के पास, वो उसको बोलती है कि भाई मेरा जो आपका सिक्योरिटी है वो आप रख लीजिए, कुछ दिनों बाद हम उसको वापस खरीद लेंगे और उसके बिहाफ में कुछ परसेंटेज आपको दे देंगे, उसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑफर रेट, दैट इज रेपो रेट। और वो कौन करती है भाई, जब कमर्शियल बैंक करती है आरबीआई के साथ। इसलिए नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए तो रेपो रेट वो रेट है जो कमर्शियल बैंक लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से, दैट्स इट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट अपोजिट हो जाता है। फिर अगर हम सेलेक्टिव और क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो वो होता है सीलिंग ऑन क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मतलब ज्यादा अगर जरूरत पड़ जाए तो भैया अगर क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं कर पाती है तो आरबीआई क्या करती है, क्वालिटी में कंट्रोल कर देती है, मतलब डायरेक्टली इशू कर देती है। अगर बैंक नहीं मानेगा तो उसके लिए नॉर्म्स जारी कर देगी, इंटरेस्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर देगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कर देगी, तो ये सारा काम क्वालिटेटिव में आ जाता है। चलिए उसके बाद बात करें बैंकिंग ओवरसमेंट स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत हम सारा कस्टमर कंप्लेन कर सकते हैं, अगर बैंक मेरा कोई चीज नहीं सुनता है तो फिर, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ओवरसमेंट स्कीम, और कुछ नहीं है, बस यही चीज है ये। और अगर हम उसकी बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट क्या भैया, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे मीटिंग पॉइंट ऑफ सप्लायर्स और इंटरेस्ट मिलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट मतलब जिसके पास, आपके पास अगर पैसा ज्यादा है तो आप इन्वेस्ट करिए, और जिसके पास पैसा जो ऑलरेडी पैसा कमी है वो भाई साहब वहां क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, सप्लाई। ये बात ध्यान में रखिएगा, डिफरेंस कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का क्या, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, बस बस इतना ही का बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ सेबी का, सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई साहब ये बात याद रखिएगा कि 1988 में इसका सेटअप किया गया था और 1992 से इसका लीगल स्टेटस को मिल गया है, बस इतना ही रखिएगा। सेबी का काम है जितने भी आपके सिक्योरिटीज के रिलेटेड जितने भी बॉडीज हैं उसका रेगुलेशन करना, ये देखो फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट, प्रोटेक्ट करना, है ना, इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट को, प्रिवेंट करना, डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारा काम सेबी का है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें तो मार्केट रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज है, बैंक है, इश्योर्स है, ये सारी चीजें हैं। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन तो वर्किंग ऑफ ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग है। इडबी, इडबी का काम क्या, देखिएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट 1964 में, ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ 2004 में ये बैंक माना, 2019 में जो है IDBI को जो है वो एक्वायर कर लिया LIC के द्वारा और उसको RBI ने प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया था। इसका नेम चेंज हुआ 2021 में, इसका ऑपरेशन भी क्या हुआ था, बैंक ऑफर किया था वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज का, ठीक है, तो जब ये बैंक बना तो बहुत सारा सर्विसेज किया, ठीक है। अब आ जाओ IFC, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1947 में क्या हुआ इंडिपेंडेंट जब हुआ था तो उस समय आया था, इसका जो 1948 में इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 1948 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद फंक्शन क्या है भैया, फंक्शन से प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को, प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को।
अब आईसीआईसीआईसीआई मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, 1955 से 91 में 1955 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको कमर्शियल बैंक में 1991 में ट्रांसफर किया गया, मर्जर एक्विजिशन हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद मर्जर किससे हुआ, आईसीआईसीआई बैंक से हुआ, इसका इंटरनल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। इसका फंक्शन से क्या करना, प्रोवाइड करना असिस्टेंस इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आईआरसीआई इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका पहले आईआरसीआई का इसका पहले नाम था इरबी, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो कब, 1985 में, है ना, ये देखो मार्च 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। चलो फंक्शंस क्या है, आइडेंटिफाई करना और रिहैबिलिटेट करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल और मैनेजरियल सपोर्ट, फैसिलिट करना डिस्पोजल को, बस इतना ही है। एलआईसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, एलआईसी की बात करें तो एलआईसी कब आया, 1956 में आया, ये बात ध्यान रखिएगा, कितना 1956 सितंबर में आया, ठीक है। चलिए और वो इफेक्ट में आया 1956 जुलाई में, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अभी कितना, 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में। हिस्ट्री ऑफ एलआईसी, 1898 ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया था, 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया, 1912 में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया, 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बना, 1938 में अर्लियर लेजिस्लेशन लॉ कंसोलिडेट हुआ, 1956 में फिर 245 फॉरेन और इंश्योरेंस प्रोविडेंट जो सोसाइटी थी वो चेंज हुई और उसके बिहाफ पर एलआईसी का गठन किया गया 1956 में, एलआईसी एक्ट बना। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डाइवर्सिफिकेशन कर किया गया इन्वेस्टमेंट का, स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी लेके आई, ठीक है, ये सारी बातें हुई। अब रेगुलेटरी बॉडी क्या है एलआईसी का, ये है इडे, इडे मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी इंश्योरेंस के लिए काम होती है उसके सारे के सारी बॉडी कौन है, हेड यही है। तो इडे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 19, 2000 में, ठीक है, पार्लियामेंट में, और इसका इडे एक्ट भी बना 1999 पे, ठीक है। प्रीडिसेसर किसका है ये देखिएगा, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट का प्रीडिसेसर से पूछा जा सकता है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये किसके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, 1 फरवरी 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी, बस इतना याद रखना है, उसके ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए सेबी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी कब बना था, अप्रैल 12, 1988 को, और जो 1992 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, देखो कमिंग टू फोर्स जनवरी 1992, बेसिक चीज है, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो फंक्शंस था, रेगुलेटरी फंक्शंस है, डेवलपमेंट फंक्शंस है, प्रोहिबिटिव फंक्शंस है, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी चीज करना है ना, ये रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करने का फंक्शंस भी निभाता है, इसे भी डेवलपमेंट फंक्शंस भी निभाता है कि कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे ट्रेनिंग दें इंटरमीडिएट्स को, कैसे रिसर्च करें, ये सारा काम करें, और प्रोटेक्टिव फंक्शन जो होता है ताकि वो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट कंज्यूमर के, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोटेक्टिव फंक्शन का यूज किया जाता है। ये हो गई जी आपकी बैंकिंग खत्म। अब आइए हम लोग चलते हैं टैक्स पर, ठीक है, इनकम टैक्स की शुरुआत करते हैं। देखो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के टैक्स की बात होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जो होता है जीएसटी, और अगर बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लो है जो पांच तरीके से बनता है। पहला कौन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, 1961 में किस किस तो वजह से इनकम टैक्स लॉ बनता है 1960, ये जो है उसकी वजह से, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए एनुअल अमेंडमेंट होता है फाइनेंस एक्ट में, उसकी वजह से, इनकम टैक्स रूल की वजह से, सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी करता है सीबीडीटी उसकी वजह से, और जुडिशियल डिसीजन अगर आता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसकी वजह से। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 जो है शेड्यूल 7, उसमें तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट जो होता है पार्लियामेंट के हिस्से होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो स्टेट लिस्ट होता है, और कंकरेंट में दोनों होते हैं। तो यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें हम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो बोर्ड है, सीबीडीटी और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम टैक्स की बात करता है। अब हम शुरू करते हैं टैक्स रेट का रिलीफ। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल एचयूएफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो 0 से 2.5 लाख तक नील है उसका टैक्स लगेगा, 2.5 से 5 लाख तक जो है वो 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से अगर बात करें अबव की तो 30% है। अगर सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक मुफ्त है, बाकी सेम रेट वही है, ठीक है। अगर हम बात करें सुपर सिटीजन मतलब 80 साल से ज्यादा का भी लोग है और वो भी पैसा कमा रहा है तो 5 लाख तक के लिए उसको छूट है, उसके बाद में सेम 20 और 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। अगर हम सरचार्ज की
बात करें किसी इंडिविजुअल के लिए, तो 50 लाख से अगर कोई 1 करोड़ तक का कमा रहा है पैसा, तो उसको 10% ऑफ इनकम टैक्स का सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का अगर उनका टैक्सेबल इनकम है तो 15% का आपको इनकम टैक्स का सरचार्ज देना पड़ेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो 25% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 5 करोड़ से अबव अगर आपका है तो 37% ऑफ इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन एंसेस सॉरी हेल्थ एजुकेशन एंसेस जो है वो आपको 4% का सभी में देना पड़ेगा, किसी में दिक्कत नहीं है। तो 50 करोड़ तक का ये आपका सरचार्ज का झमेला नहीं है, 50 लाख के बाद का सारा झमेला है। 10, 15, 25 और 37 ये बात ध्यान में रखिएगा। एक नोट भी है, नोट क्या है कि सेक्शन 112 और 111 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का कितना भी हो जाए उसमें 15% ही सरचार्ज लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। याद रखना 1 करोड़ से ज्यादा होगा 15% ही देना होगा, 25 और 37 वाला उसके लिए नहीं है। अब आ जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करो तो 0 से 10,000 रुपए तक टैक्स है तो 10% ऑफ टैक्स का लगेगा, 10 से 20,000 है तो 1,000 प्लस 20% ऑफ एक्सेस इनकम, मतलब मान लो 10 से 20,000 तक है तो 10,000 का 1,000 रुपए लग गया टैक्स, उसके साथ साथ 20,000 रुपए का जो सॉरी 20% ऑफ एक्सेस, मतलब 10 से 20 था तो 10 एक्सेस हुआ तो वो एक्सेस इनकम का 10,000 जो है उस पर 20%, फिर 20,000 या उससे ज्यादा है तो 3,000 रुपया लगेगा प्रॉपर प्लस 30% ऑफ द एक्सेस इनकम जो एक्सेस है ना। चलिए अब 1 करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज जो है 12% और हायर एजुकेशन 4% लगेगा। अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसका सरचार्ज 12% है और हायर हेल्थ एजुकेशन एंसेस जो है वो आपका 4% है। अब कोई फर्म की बात करें, अगर कोई फर्म है या लोकल अथॉरिटी है तो उस पर 30% का सीधा सीधा टैक्स लगेगा, 12% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एजुकेशन एंसेस। ये तब लगेगा जब 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ टैक्स आपका हो, करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स हो तो आपको इतना देना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है मतलब कंपनी की बात कर रहा है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो जनरल रेट जो है वो 30% है, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन है कि अगर आपने 2016 पहले मार्च 2016 के बाद आपने बिजनेस शुरू किया तो आपके लिए 25% है। अगर ये सेम चीज, अगर टैक्स आपको मतलब क्या बोलते हैं 1 करोड़ से ज्यादा का है तो 7% आपको सरचार्ज है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज है। हेल्थ एजुकेशन एंसेस कितना है 4% का, ये बात ध्यान में रखिएगा। सरचार्ज जो है कंपनी पे डोमेस्टिक कंपनी पे ज्यादा है 7% 12%, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा, और हेल्थ एजुकेशन से सब में 4% है। जो भी अगर 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन हुआ इंडिविजुअल बॉडी आई हाफ सी याद होना चाहिए सबके लिए, जितने भी सारे लोग हैं सबके लिए। अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो इसके लिए टैक्स 40% है, लेकिन इसके लिए सरचार्ज जो है 1 करोड़ से ज्यादा पर 2% है और 10 करोड़ से ज्यादा पर 5% है। हेल्थ एजुकेशन सबके लिए बराबर है। अगर हम बात करें 6 की, कैपिटल गेन के लिए 20% टैक्स है, अगर इक्विटी और बिजनेस के लिए 112 में 10% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% है, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी के लिए जो है वो 30% है। ये सारा का सारा आपका टैक्स रेट की बात कर ली हमने, लीजिए जी। तो ये टैक्स रेट हो गया कंप्लीट। अनएक्सप्लेन इनकम है मतलब क्या हो गया कि सर कोई ऐसा इनकम है, मान लो 5 करोड़ रुपए आपका घर में मिल गया और गवर्नमेंट पूछा कहां से आया पैसा, बोला हमको नहीं पता, हम नहीं जानते कहां से आया इनकम, तो गवर्नमेंट बोलेगा फिर हमको भी नहीं पता, 60% इधर लाओ, 30% 20% 40% तुम रखो, मतलब 5 करोड़ में 3 करोड़ गवर्नमेंट का, 2 करोड़ तुम्हारा, तो चले जाओ नानी, ऐसा होता है। ये हो गया आपका टैक्स का कंप्लीट पहला टैक्स रेट। दूसरा है असेसमेंट ईयर। अब देखो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या फर्क है, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में टैक्स हमको पे करना पड़ता है और 12 मंथ का पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और प्रीवियस ईयर वो ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में हम अर्न करते हैं टैक्स को, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन जनरल रूल का एक्सेप्शन क्या है, टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम, मतलब देखो 5 एक्सेप्शन थे, याद करना कि अगर हमको कोई भी ऐसा 5 कंडीशन है, इस 5 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन हुआ या कोई भी कंडीशन हुआ तो उसमें हमको क्या होगा करंट ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, ये नहीं कि हम कह सकते कि अगले साल में टैक्स देंगे, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, पहले अगर शिपिंग बिजनेस आपका है, अगर आपका बिजनेस शिपिंग का है, ठीक है, शिपिंग बिजनेस है तो आप क्या करोगे करंट टैक्स में टैक्स दोगे। अगर पर्सन कोई लिविंग इंडिया छोड़ रहा है तो आपको करंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी का एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो पर्टिकुलर पर्पस या इवेंट के लिए, मान लो 1 महीने का कोई इवेंट था वो किया, उसमें वो 5 करोड़ रुपया कमाया, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब उसी टाइम तुम टैक्स दे दो, बाद में उनको कहाँ खोजेंगे नहीं जानते। ट्रांसफर एट प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, देखो अगर मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया अपने टैक्स से बचने के लिए अपनी अपनी वाइफ के नाम पर ये प्रॉपर्टी करनी चाहिए, तो मैंने क्या किया अवॉइड किया टैक्स को, तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम ही तेज है, तुम कमा रहे हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम क्या करो टैक्स पे करो। तो ये और एक डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो सेम ईयर में टैक्स दीजिए। देखिए ये 5 जो कंडीशन है ये वो कंडीशन है जब जो मतलब गवर्नमेंट को करंट ईयर टैक्स देने के लिए मजबूर करते हैं कि भैया तुमको करंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आ जाते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे, इसका रूल क्या है इंडिविजुअल के लिए। भैया देखिए इंडिविजुअल के लिए रूल है कि 2 बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा
इंडिया में रहना पड़ेगा 182 दिन प्रीवियस ईयर में आपको 182 दिन या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा, या 60 दिन प्रीवियस ईयर में, या 365 दिन चार प्रीसीडिंग ईयर में रहना पड़ेगा। मतलब दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन होगा वो रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। अगर इन दोनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, क्या ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन। अच्छा देखो, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां बेसिक कंडीशन में सिर्फ 182 दिन वाला हिला लागू होगा, सिर्फ 182 दिन। और पूछा जाता है कि जो पर्सन अगर इंडिया छोड़ के, अ पर्सन अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव इंडिया प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर्स में उसने इंडिया छोड़ दिया है कमाने के लिए, तो भाई साहब 182 दिन वाला सीन लागू होगा। ठीक है, किसके लिए? कमाने के लिए या फिर मेंबर ऑफ क्रू इंडस्ट्रीज में। अगर उसने सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑरिजिन का नहीं है, मतलब बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन ऑरिजिन का है, तो भी 182 दिन वाला केस लागू है। इंडियन ओरिजिन कहने का मतलब दादा दादी नाना नानी और उसके पापा माता पिता, क्या बोलते हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। चलिए उसके बाद है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का क्या कहानी है कि बोथ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, बोथ बेसिक कंडीशन नहीं होगा, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये चीज हो गया। उसके बाद तीसरा है डीम टू बी रेसिडेंट। डीम टू बी रेसिडेंट नया आया है, इसमें क्या बोला कि ये तो एक तो पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा इसका कंडीशन क्या है कि अगर इंडिया में आपका टैक्स नहीं ले रहा है तब आपको यहाँ इंडिया वाला टैक्स, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर अगर आपको कहीं टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो आप इंडिया में टैक्स दे सकते हैं। अदर देन फॉरेन इनकम, अगर आपका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको डीम टू बी सिटीजन, डीम टू बी क्या बोलते हैं, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। कह रहा है चलिए, और अब क्या है, रेसिडेंट और रेसिडेंट में दो होता है, ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली। तो ऑर्डिनरली हो रेसिडेंट होने के लिए पहले आपको बेसिक कंडीशन एक अप्लाई होना चाहिए, प्लस उसके बाद दो एडिशनल कंडीशन होना चाहिए। और अगर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट की बात है तो सिर्फ ओनली वन, अगर आपका कंडीशन बेसिक कंडीशन एक अप्लाइड है तो नॉट ऑर्डिनरली हो गया, और दोनों का दोनों अगर एडिशनल कंडीशन में एक हो या एक भी नहीं हो, एक भी होगा तो भी आप नॉट ऑर्डिनरली हो गए। मतलब सीधा सीधी बात है कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट होने के लिए एक बेसिक और दो एडिशनल। अगर नॉन ऑर्डिनरली की बात किया जाए तो नॉन ऑर्डिनरली के लिए आपको एक बेसिक कंडीशन चाहिए और एक क्या बोलते हैं, इसको एडिशनल कंडीशन होना चाहिए या एक भी एडिशनल नहीं हो। दोनों हो गए तो फिर ऑर्डिनरली हो जाएगा ना, एक रहेगा तो नॉन ऑर्डिनरली होगा, या एक भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी नॉन ऑर्डिनरली ही रहेगा। बात समझ में आया? जी सर। चलिए अब ये देखिए, ये क्या कंडीशन है एडिशनल, दो एडिशनल कंडीशन तो बताया ही नहीं सर। एडिशनल कंडीशन ये है कि पहला साल, मतलब सॉरी पहला एडिशनल कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल में 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल में 7 साल में, पहला वाला में कंडीशन में क्या था, 10 साल में 2 साल रहा हो, दूसरे वाले में प्रीवियस ईयर वाले पहले साल से 7 साल में 730 दिन रहा हो। ये दो बेसिक कंडीशन है। अब आइए दूसरा, फॉर्म या बीआई और एओपी, इसमें क्या है? तो बोल रहा है अगर फॉर्म, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से हो, होली या पार्टली, दोनों होली या पार्टली दोनों अगर इंडिया से हो, थोड़ा सा भी इंडिया से मैनेजमेंट कर रहा है या पूरा पूरी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। और अगर पूरा का पूरा नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉट रेसिडेंट। अगर कंपनी की बात करें, इंडियन कंपनी है, इसमें देखेंगे इंडियन कंपनी अगर रहा है तो हमेशा रेसिडेंट होगा। अगर नॉन इंडियन कंपनी है तो हम देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, मतलब किस जगह से वो उसका कंट्रोल हो रहा है। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट, और अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट। चलो ये रेसिडेंशियल स्टेटस भी खत्म हो गया। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चलते हैं। आइए एक मिनट टाइम दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लिया जाए यार। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में मेंशन है। कह रहा है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड व्हिच सिचुएटेड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। देखो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड से रेंट मिले या रेवेन्यू कोई भी डिराइव हो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, अगर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हमको मिल रहा है तो उसको भी इनकम क्या मानेंगे? एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग, सैपलिंग और सीडिंग से भी अगर मिल जाए तो हम उसको इनकम मानेंगे क्या? एग्रीकल्चर। मेकिंग प्रोड्यूस फॉर मार्केट फिट, इसके लिए भी। और इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, ये पांचों से अगर हमको मिल जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम, है ना। चलो उसके बाद चलते हैं नोट। नोट क्या बोल रहा है? सैलरी, ये बात ध्यान में रखिएगा, सैलरी ऑफ फार्म मैनेजर, अगर किसी फार्म मैनेजर से सैलरी मिल रही है तो क्या ये इसका जो है वो क्या कहते हैं इसको, ये आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी, ठीक है, ये भी इंगेज है तो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा ये देखिएगा, इनकम फ्रॉम मार्केट,
स्टोन क्वारीज, अगर स्टोन से हो, माइनिंग रॉयल्टी से, लैंड यूज किए किए गए हैं स्टोरिंग के लिए पर्पस के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर इरिगेशन है ना, सेल्फ ग्रोन ग्रास, ये सब सारे जो है ट्री और बैम्बू, फिशरीज, सेल ऑफ अर्थ, ब्रिक मेकिंग, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, रेंट का इंटरेस्ट लेट से अगर मिला तो वो, ये सारे जो है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, याद रखिएगा, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं सेमी एग्रीकल्चर इनकम। सेमी एग्रीकल्चर में चार चीज है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्री, अगर 60% का है तो ये 60% का होगा एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये 40% नॉन एग्रीकल्चर। अगर 7A है तो ग्रोइंग बोलते हैं रबर का 65%, 35% क्या होगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर कॉफी है तो 75% हो जाएगा एग्रीकल्चर और 25% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर। अगर रोस्टेड कॉफी है तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर डिडक्शन की बात करें, कुछ डिडक्शन कर लेते हैं। डिडक्शन 80C से था, 80C बोलते हैं डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, कितना तक का बेनिफिट, 1.5 लाख रुपए तक का, ये बात है मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का। चलिए इंडिविजुअल किसके लिए है, इंडिविजुअल और अचीव के लिए। अगर बात करें 80CCC की तो कंट्रीब्यूशन फॉर सर्टेन पेंशन फंड बाय SSC, इसमें भी कितना 1.5 लाख का डिडक्शन। 80CCD1 ये किसके लिए, इंडिविजुअल या सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन प्लान, अगर कोई भी नेशनल लेवल का प्लान है गवर्नमेंट का तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 10% तक प्राइवेट एम्प्लॉय, 40% गवर्नमेंट और 20% ऑफ सैलरीड, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, इतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है 80CCE, 80CCE क्या कहता है, एग्रीगेट डिडक्शन, मतलब किसका किसका एग्रीगेट, सारे का मिला के। आप क्या बताओ, जो ऊपर तीनों डिडक्शन पढ़े क्या उसको 1.5 लाख तीनों में मिलेगा, नहीं तीनों में नहीं, टोटल मिला के 80C, 80CCC और 80CCD1 का मैक्सिमम डेटा 1.5 लाख का मिलेगा। उसके साथ बोला 80CCD1B, ये बोला कि अगर कोई इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कीम पर तो 50,000 का चलो और एडिशनल डिडक्शन हम इसके दे देते हैं CCE के अलावा। उसके बाद 80CCD2 है, CCD2 है, CCD2 कह रहा है कंट्रीब्यूशन अगर इंप्लॉयर ने कर दिया है आपके बिहाफ पे इंप्लॉयर किसी भी नेशनल पेंशन स्कीम में तो आपको 10% प्राइवेट में मिल जाएगा, 14 गवर्नमेंट में और 20 सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। ये बात हो गई जी आपकी दूसरा। चलो नेक्स्ट में फिर अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिडक्शन है, एक सेकेंड टाइम देना मुझे। चलिए जी नेक्स्ट जो है वो क्या करते हैं, डिडक्शन इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स है ना। अब देखिए ये बोला हाउस प्रॉपर्टी और क्या बोलते हैं व्हीकल से रिलेटेड कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 80EE का जो डिडक्शन है वो आपको मिल रहा है किसमें, हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी जब आप लेंगे तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट के लिए आपको क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना, 50,000 का। जो अगर आप यहां पे ध्यान रखिएगा, अंडर सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर जो डिडक्शन लिए हैं तो तब 50,000 एडिशनल मिल रहा है, लेकिन अगर ये नहीं लिए तो आपको टोटल कितना मिलेगा, टोटल सर भैया 2.5 लाख का, सॉरी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इसके लिए कंडीशन क्या है, 80EE के लिए कंडीशन क्या रखा गया है ताकि इंटरेस्ट मिले। सबसे पहले वैल्यू जो हाउस का वो 50 लाख से ज्यादा या 50 लाख के बराबर होना चाहिए, और SSC जो आपको जो घर ले रहा है उसका कोई अपना घर नहीं होना चाहिए। लोन जो है 2016-17 से 35 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, ये था। 80EE की बात करें तो ये है एक्विजिशन फॉर रेंट, पहला वाला तो था कि 80EE था घर खरीदने के लिए, लेकिन अगर किसी घर को बना हुआ घर को एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट के लिए लोन पे करना होगा, वहां पे भी आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, बशर्ते उसकी स्टैंप वैल्यू जो है 45 लाख की होनी चाहिए, अपना घर नहीं होना चाहिए, ये दो कंडीशन इसके लिए। अब आप बात करते हैं 80EEB की, अगर 80EEB की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं तो उसके लिए आपने लोन अप्रूव कराया होगा, और अगर आपने 2019 के बाद अप्रूव कराया है तो आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। 80GG की बात करें तो रेंट पेड पे भी डिडक्शन मिलता है, इसके लिए क्या आपको करना है, आप अगर आपने HRA रिसीव नहीं किया है, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस अगर आप रिसीव नहीं किए तो आपको इस पे भी डिडक्शन मिलेगा। क्या रूल है, 25% ऑफ एडजस्टेड इनकम, या फिर रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 5,000, तीनों में से जो कम होगा उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए
अगर बात करें डिडक्शन इन रिलेशन टू द डोनेशन, 80G की बात करें, अगर डोनेशंस का बात करें तो सारे एसएससी के लिए होता है ना, इसमें विदाउट लिमिट विद लिमिट है। अगर हम विदाउट लिमिट की बात करते हैं तो वो उसमें मिलता है 100% या 50%। अगर 100% वाले देखें विदाउट लिमिट में, तो पीएम रिलीफ फंड हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इस पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर गांधी फैमिली से रिलेटेड कुछ मिल जाएगा, जैसे मान लो इंदिरा गांधी ड्रॉट फंड, इंदिरा गांधी ये फंड, पीएम ये फ्रंट फंड, तो उसमें आपको 50% तक का डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अगर विद लिमिट की बात करें तो 100% और इसमें भी 50%। तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड पे अगर आप खर्च करते हैं, इंडियन ओलंपिक पे खर्च करते हैं, तो 100% डिडक्शन मिलेगा लिमिट के साथ। और अगर बात करें 50% चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे, मंदिर मस्जिद मिनिस्टर ये इस पे करते हैं, आर्कियोलॉजिकल आर्टिस्टिक पे करते हैं, तो 50% विद लिमिट के साथ आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 80GGA की। 80GGA का डिडक्शन आपको मिलेगा डोनेशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80GGA रिसर्च के लिए 2000 रुपए तक का कैश में और 100% डिडक्शन मिल जाएगा आपको बैंक के थ्रू। अगर 80GGB की बात करें तो ये है डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टीज को किसी इंडियन कंपनीज के लिए, तो 100% डिडक्शन है। अगर कोई GGC की बात करें तो डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज का है किसी इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहा है तो 100% डिडक्शन उसको मिल जाएगा। ये रहा बात। अब डिडक्शन बेस्ड ऑन द इनकम, इनकम के बेस पर डिडक्शन है। अगर हम बात करें 80QQB, तो QQB क्या किस चीज के लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑथर के लिए, कि किसी को अगर रॉयल्टी इनकम कॉपीराइट मिल रहा है तो पूरा इनकम 3 लाख या उससे जो पूरा इनकम हुआ है, दोनों में से जो कम होगा उसको उसका पूरा का डिडक्शन मिल जाएगा। 80RRB जो है रॉयल्टी इनकम के लिए, रॉयल्टी इनकम मतलब जो पेटेंट से, यहाँ पे कॉपीराइट से था, यहाँ पेटेंट से, सेम चीज है, होल इनकम होगा या 3 लाख, दोनों में से जो कम होगा उसके लिए मिल जाएगा। 80TTA की बात अगर करूं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन ओनली सेविंग अकाउंट, अगर ये नॉर्मल पर्सन के लिए, मतलब बूढ़ा वगैरह के लिए नहीं है, अगर इंटरेस्ट डिपॉजिट आपने कर रखा है सेविंग अकाउंट में, तो 10,000 रुपए तक का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको क्या 10,000 या क्या बोलते हैं जो उससे कम है, दोनों में से जो होगा कम उसका मिल जाएगा आपको डिडक्शन। 80TTB की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों के लिए है, किसके लिए सर? सीनियर पर्सन के लिए, मतलब सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट, दोनों में से अगर आपने बना रखा है और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो है आपको माफ कर दिया जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और 80U की बात करें तो हैंडीकैप रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात होती है सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी की। एक मिनट, 80DD मैंने छोड़ा क्या? एक मिनट, ये छूट गया था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके लिए क्या था? 80D का था। 80D में क्या है भैया? 80D में है इंडिविजुअल या फिर किसी को अगर मेडिकल इंश्योरेंस मिला हुआ है तो नॉर्मल केस में उसको 25,000 तक मिल जाएगा। पेरेंट्स अगर है तो भी 25,000 मिलेगा, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 5,000 तक का डॉक्टर का फीस भी इंक्लूडेड है। अगर 80DD की बात करें तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट डिजिबिलिटी बोलते हैं, अगर आप 40% तक डिजिबल हैं तो 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, अगर आप 80% से ज्यादा हैं तो 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 80DDB की बात करते हैं तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है स्पेसिफाइड डिजिबल, जैसे कैंसर वेंसर हो गया या इस तरह की चीजें हो गई, तो सीनियर सिटीजन को 1,00,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, वेरी सीनियर सिटीजन को 1,00,000 का मिलेगा और नॉर्मल इंसान को 40,000 तक का जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। चलिए 80E की अगर बात करें, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, इसके लिए नो लिमिट है, 8 साल तक आप जितना भी चाहे लोन ले सकते हैं, कोई भी इंटरेस्ट आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद सारा हमने ये कर लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट जो है, अब हमने बात करा था इनकम फ्रॉम सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उसके बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में फर्क है। सैलरी बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर सर्विस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब वो होता है फ्रीलांसर, जिसको PGBP में आपको किया जाता है। प्रॉफिट इन लियो सैलरी का मतलब क्या हो गया कि टैक्सेबल पार्ट जो है वो रिट्रेचमेंट या कंपनसेशन। देखो ये बात ऐसा है कि मान लो 20,00,000 रुपए उसको मिला सैलरी में, टोटल क्या क्या मिला? रिट्रेचमेंट या फिर बोल सकते उसको अंत में जो मिलता है रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 20,00,000 मिला, उसमें से 12,00,000 रुपया जो था उसने एग्जेम्पशन था, तो 8,00,000 जो टैक्सेबल है उसको प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी कहा गया। अब देखो फॉर्मेट क्या है, कंपटीशन कैसे करते हैं, ये पूछा जाता है कैसे? पहले बेसिक सैलरी को दिखाएंगे, फिर अलावेंसेस दिखाएंगे, उसके बाद परक्विजिस्ट अगर कोई होगा तो वो दिखाएंगे, फिर प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी दिखाएंगे, उसके बाद ये निकल जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन लेंगे अंडर सेक्शन 16 का, 16 में 3 डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 का 1, अंडर उसके बाद है
16 टू जो है इंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरा है जी प्रोफेशन टैक्स, तीनों का डिडक्शन लेना है। अब आइए इसको फिर इसके बाद कैलकुलेट कर देंगे तो निकल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में क्या है, 16(1) का जो डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ग्रॉस सैलरी या 50,000 व्हिच एवर इज लेस, मतलब ग्रॉस सैलरी या 50,000 दोनों में से जो कम होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद 16(2) की बात करें तो इंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें तो ऐड करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी इनकम का, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम, देखो ऐड तो दोनों करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला, लेकिन जो जो आपका बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा या मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 होगा या 20% ऑफ बेसिक सैलरी जो व्हिच एवर इज लेस। एक बात याद रखना, टैक्स में अगर आपको गवर्नमेंट देगी तो सबसे कम होगा, जो तीनों में से कम होगा दोनों में से कम होगा ऐसा बोलेगी, और अगर गवर्नमेंट आपको नहीं देगी ठीक है आपसे लेगी तो वो ज्यादा लेगी व्हिच एवर इज हायर ऐसा कहेगी। तीसरा है सेक्शन 60 प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम लोग ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन करते हैं, ये प्रोफेशनल टैक्स होता है ना ये दी। अब है उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, ये ध्यान रखिएगा, एक मिनट थोड़ा पानी पी लिया जाए, है ना। चलिए अब है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हुआ भैया, टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी सेक्शन 10(10) में आता है, पूछा जाता है कभी कभी, क्या पूछा जाता है ग्रेचुटी कहां आता है, 10(10) में आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो भैया अंडर सेक्शन 10(10) में फुल एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय कवर्ड जो है ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, उसके लिए एग्जेम्प्शन कैसे मिलेगा, 20,00,000 लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तीनों में से चारों में से जो भी होगा उसमें से जो कम होगा वो 20,00,000 रुपया एक्चुअली जो ग्रेचुटी रिसीव किया वो, या 15/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो इसमें जो अमाउंट आएगा वो, ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वो उसको क्या मिल जाएगा, वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। केस टू है एम्प्लॉय नॉट कवर, एक तो था ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो तब, अब है नहीं ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, लेस ऑफ द फॉलोइंग 20,00,000 एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव या 1/2 इंटू एवरेज लास्ट 10 मंथ का सैलरी रिटायरमेंट का या नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स को कैलकुलेट करिए तो इसमें जो कैलकुलेट करिए जो अमाउंट आएगा वो, या फिर ये तीनों में से जो सबसे कम होगा। चलिए उसके बाद है टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन, पेंशन कैसा होगा भैया, अनकम्यूटेड पेंशन है जो रेगुलर पेंशन मिलता है वो है, या तो क्या होगा तो फुली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट किसी के लिए, मतलब रेगुलर पेंशन अगर मिल रहा है तो वो फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है जो आपको एक ही बार मिलता है तो सेक्शन 10(a) के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्ट है, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अगर ग्रेचुटी लिया है तो 1/3 हिस्सा जो है एग्जेम्प्ट है पेंशन का, और अगर ग्रेचुटी नहीं लिया है तो 1/2 हिस्सा जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, ये बात रखिएगा। ग्रेचुटी लिया है तो 1/3 हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाएगा प्राइवेट के लिए, और अगर ग्रेचुटी नहीं लिया तो 1/2 हिस्सा जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो एक चीज और, अगर कोई पेंशन मरे हुए आदमी के बिहाफ पर रिसीव करे और कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, मतलब ध्यान समझना कि मान लो कोई आदमी डेथ कर गया और उसके हिसाब पर अगर वो क्या कर रहा है, वो पेंशन रिसीव कर रहा है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, बशर्ते वो इंसान कोई आर्म्ड फोर्सेस से ना हो, मतलब सेना से ना हो, अगर सेना से हुआ तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट क्या होता है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। चलिए टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सेक्शन 10(a)(a) के तहत, 10(10)(a) के तहत ये जो है एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड है या 3,00,000 रुपया या 10 times इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ या लीव एट द करेक्ट रेट, इस तरीके से तो ये चारों में सबसे जो कम होगा। कह रहा है ड्यूरिंग द सर्विस लीव सैलरी मिली है तो फुली टैक्स, अच्छा अगर ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको लीव सैलरी आपने लिया है छुट्टी की तो उसको फुली तरीके से टैक्सेबल माना जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। अब चलते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ रिट्रेचमेंट, मतलब कंपनसेशन सेक्शन 10(10)(b) का। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, कौन कौन सा, एक्चुअल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन रिसीव हुआ है 5,00,000 है या 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ 3 months इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, तो ये हो गई क्या, आपको इसको बोलते हैं जो तीनों में से कम होगा उसको हम लोग ले लेंगे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। अब कंपनसेशन ऑफ रिटायरमेंट सेक्शन 10(10)(c) एग्जेम्प्ट क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल कंपनसेशन जो रिसीव हुआ है 5,00,000 है या हायर ऑफ, इन दोनों में से कौन सा हायर है उसको यहां ले लेंगे, इस अमाउंट को ले लेंगे और इस अमाउंट के बाद तीनों में देखेंगे कि सबसे कम कौन है, तो लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 months इंटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स या लास्ट ऑन सैलरी रिमेनिंग मंथ्स या ऑफ सर्विस, ये दोनों में से हायर जो होगा इसको यहां ले लेंगे और यहां ये तीनों 1, 2, 3 में जो है वो हम लोग तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। चलिए ये तो खत्म, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या भैया, अलाउंसेस।
अलाउंसेस तीन तरह का, फुल्ली पार्टली और फुल एग्जाम। देखो फुल्ली टैक्सेबल जो होगा वो क्या होगा, डियरनेस अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, एक मिनट, डियरनेस है, एंटरटेनमेंट है, सिटी कंपनसेटरी है, मेडिकल अलाउंसेस है, लंच टिफिन अलाउंसेस है, ओवरटाइम है, सर्वेंट है, पार्टी, ये देखो नॉन पे है, टेलीफोन अलाउंसेस, ये सारा, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस भी फुल्ली टैक्सेबल है। पार्टली एग्जाम जो है ना वो एग्जेम्पशन मिला है ऑफिशियल पर्पस के लिए, देखो कौन सा, अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट स्पेंट, ठीक है, दोनों में से एग्जेम्पशन कौन सा होगा, तो जो है पार्टली है यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रेवलिंग है, डेली है, हेल्पर है, एकेडमिक है, ठीक है, और कन्वीनियंस अलाउंसेस। तो इसमें से या रिसीव्ड हुआ या स्पेंट हुआ, मतलब जो या तुमको पैसा मिला मान लो 500 रुपया और स्पेंट हुआ 300 रुपया, तो 300 रुपये दोनों में से जो कम होगा वही तुमको क्या मिल जाएगा, वही तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। चलो उसके बाद करते हैं दूसरा, पर्सनल पर्पस, अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो एग्जेम्पशन लेस ऑफ, दोनों में से लेस क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, एक्चुअल जो अमाउंट स्पेसिफाइड है वो मिलेगा, या एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड है, स्पेसिफाइड क्या हुआ, देखो अगर चिल्ड्रन की बात करें, पूछा गया क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा पर मंथ पर चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन के लिए, ध्यान रखिएगा 100 रुपया पर मंथ दो चिल्ड्रन के लिए पर चिल्ड्रन। हॉस्टल का एक्सपेंसिस जो होगा 300 पर मंथ पर चिल्ड्रन के लिए, मैक्सिमम दो चिल्ड्रन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होगा सिर्फ हैंडीकैप के लिए, नॉन हैंडीकैप के लिए पूरी तरह से टैक्सेबल है, 3200 रुपए पर मंथ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए। एग्जेम्पशन कितना है, सर्टेन ऑफ द अमाउंट रिसीव, ठीक है, अलाउंसेस रिसीव बाय एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, लेस ऑफ। अब देखो वर्किंग जो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए क्या है, अमाउंट रिसीव 70% या 10,000, दोनों में से जो कम होगा वो वाला, जो ये किसके लिए है, जो अलाउंसेस रिसीव करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, उसके लिए। चलिए हाउस रेंट अलाउंसेस क्या है, एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10(13)(a) के अंदर, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, मेट्रो में है तो 50% सैलरी का, और नॉन मेट्रो 40% कंसीडर करो सैलरी का, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑन सैलरी, ये तीनों में से जो सबसे ज्यादा कम होगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या, HRA में, हाउस रेंट सैलरी में। अब फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, क्या क्या, डेली कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस रिसीव बाय MPMLA, MPMLA को अगर कुछ पैसा मिल रहा है भाई साहब, ठीक है ना, अलाउंसेस मिल रहा है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, अगर कोई जज को मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस रिसीव्ड बाय कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो सर्विसेज दे रहा है आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन में दे रहा है, तो अंडर सेक्शन 10(7) के अंदर ये, इसको भी पूरी तरीके से अलाउंसेस फ्री है। और अलाउंसेस एंड प्रोटेक्शंस गिवन टू द सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, अगर चेयरमैन और मेंबर को यूपीएससी को दिया जा रहा है तो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस पेड टू यूएनए एंड इट्स एम्प्लॉई, तो इसके यहां पे भी पूरी तरीके से सर्व क्या है आपका एग्जेम्प्ट, बात समझ में आया जी। अब आ जाइए टैक्स खत्म, टैक्स क्या हो गया खत्म। चलिए अब शुरू करते हैं भाई साहब ऑडिट, आ जाओ फटाफट। ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स है जहां हम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, किसी एक कॉम्पिटेंट या अनबायस्ड पर्सन जिसको हम सीए कहते हैं उसके द्वारा हम चेक कराते हैं, क्या करते हैं, करेक्टली एस्टिमेट कराते हैं, है ना, और वो फिर क्या करता है, वो एक रिपोर्ट देता है। तो ऑडिट डिराइव कहां से आया, ऑडिट एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, क्या हुआ है, लैटिन वर्ड, इसको बोलते हैं क्या, ऑडायर, इससे आया, ये बात रुकिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑडिटिंग क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ऑडिटिंग का मतलब है कि हम मतलब अनबायस्ड होकर एक सीए के थ्रू चेक करवाते हैं, है ना, ऑडिटिंग अंकेक्षण कहा जाता है उसको हिंदी में, है ना जी। अब आइए नेक्स्ट, क्या भैया क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए बुककीपिंग और अकाउंटिंग से। आप सोचो यार अकाउंटिंग का नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर वो क्या ऑडिटिंग कर पाएगा। दूसरा, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस है ये भी उसको पता होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट, जैसे पार्टनरशिप सेल्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सारे एक्ट का उसको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एक्सपर्ट होना चाहिए वर्क ऑफ ऑडिटिंग में, तभी ये काम कर पाएगा, है ना। इम्पार्शियल और ऑनेस्टी होना चाहिए, मतलब कहीं भी कुछ भी हो तो डरे नहीं, ऑनेस्ट तरीके से सब कुछ बता सके। इंडस्ट्रियल विलिजेंट और क्लेवर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, है ना, ये सारा क्वालिटी है। इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस होना चाहिए, सीक्रेट मेंटेन करने वाला चाहिए, और ऐसा नहीं करे कंपनी के इंफॉर्मेशन को ले और कहीं और सीक्रेटली बता दे, तो ये होना चाहिए। नॉट अनड्यूली सस्पिशियस होना चाहिए, ये सारा चीज आपको एक्सप्रेस एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड इन्फ्लुएंटली, मतलब वो अपने डिसीजन को क्लियरली बता सके, ये ऐसा होना चाहिए। ये क्या क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, अमेचर ऑडिटर और गवर्नमेंट ऑडिटर। देखिएगा प्रोफेशनल ऑडिटर जो होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू होते हैं, अमेचर ऑडिटर जिसको बोलते हैं जो नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर को कहा जाता है ना, ये बात याद रखिएगा।
गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें वाउचिंग, वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग बेसिकली हम जो वाउचर खरीद लेते हैं ना, जब भी हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उस समय ना हम हर चीज को परचेज करते हैं, और परचेज करने के टाइम में एविडेंस के तौर पर हम क्या करते हैं, एसईए ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वाउचर लेते हैं, है ना, बिल, बिल, वो बिल वाला, तो वाउचर लेते हैं, वही बिल को हम लोग एविडेंस के तौर पर यूज करते हैं। कहाँ? ऑडिटिंग के टाइम में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वाउचिंग का? टू कंफर्म द वेदर द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है। तो वाउचिंग का यही पर्पस है कि भैया जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो सही है या नहीं है, सारे एंट्री सही है कि नहीं है, या फिर प्रॉपर डिस्ट्रिक्शन कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में है या नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या था? बैकबोन है ऑडिट, एक्यूरेसी है ऑथेंटिसिटी का, फाइंडिंग मिसिंग ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन है, करेक्ट रिकॉर्डिंग होता जाता है इससे, हाईलाइट पर्सनल ट्रांजेक्शन करते हैं, लोकेट रहता है, और कंपल्सरी होता है। वाउचर, वाउचर देखो वाउचिंग क्या था, प्रोसेस था। वाउचर क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो प्राइमरी वाउचर उस वाउचर को कहते हैं जो आपको ओरिजिनल बिल होता है, और जो जेरेक्स बिल होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वाउचर या ये होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। देखो वेरिफिकेशन हम एसेट या लाइबिलिटी का करते हैं ना, ये बात है कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन में फर्क क्या है ये देखो। देखो आप बताते हैं, वाउचिंग का मतलब होता है कि आप चेकिंग कर रहे हैं एक्यूरेसी का ट्रांजेक्शन की, भैया कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कोई जो है हमने जो लिया आइटम्स वो सही है या नहीं है। वेरिफिकेशन करते हैं एसेट का कि भैया जो आइटम हम दिखा रहे हैं, एसेट दिखा रहे हैं 20 लाख का, तो वो एसेट है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन बैलेंस शीट के लिए होता है, और वाउचिंग जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वाउचिंग वेरिफिकेशन का एक और है, ये बात देख लीजिएगा। चलिए अब अगर अपॉइंटमेंट और ऑडिटर की बात करें, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है ऑडिटर का? सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म ऑडिट इज नॉट कंपलसरी, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या इसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कराते हैं। चलिए इन, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में ये मैंडेटरी है। अब देखो कंपनी केस में दो तरीके से, गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी पहले बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की, तो दो तरीके से होता है। क्या होता है? सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करती है फर्स्ट ऑडिटर को। पहला ऑडिटर कौन सेलेक्ट करता है? बोर्ड। बोर्ड सेलेक्ट करता है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर सेलेक्ट करता है। उसके बाद जो वो होल्ड करता है ऑफिस को कितना? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अगर, मतलब ये बात सही है कि अगर उसने पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, उसके बाद वो ऑडिटर कितने दिन तक ऑफिस में रहेगा? तो वो ऑफिस में रहेगा जब तक पहला एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाए, उसके बाद फिर से अपॉइंटमेंट होता है किसका? ऑडिटर का। अब देखो बात है यहाँ कि मान लो बीच में कहीं छोड़ के चला गया, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। रीजन क्या होगा? रेजिग्नेशन या अदर देन रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन है और अदर देन रेजिग्नेशन है, तो ये बात है अदर देन रेजिग्नेशन में होता है जैसे डेथ हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये सारे। रीजन इज रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन हो गया तो वैकेंसी को फिल किया जाएगा कहां? नेक्स्ट एजीएम में। अगर रेजिग्नेशन किसके लिए वजह से है, बोर्ड ऑफ द रीजन, इफ रीजन इज रेजिग्नेशन देन दी वैकेंसी कैन बी फिल बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेक्स्ट एजीएम ओनली, बोल रहा है, ठीक है। अगर रिजाइन करके वो चला गया तब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अगले एजीएम में करेंगे, लेकिन अगर रीजन डेथ है या फिर कोई और रीजन है तो वैकेंसी तुरंत फिल किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, या फिर अगर उसके द्वारा नहीं किया गया तो होल्ड, जो होल्ड करेगा ऑफिस को कितने द्वारा? नेक्स्ट एजीएम तक। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो रिजाइन करके गया है तब तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर रिजाइन करके नहीं गया, डेथ वगैरह हो गया, तो ये जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि तुरंत से ऑडिटर को अपॉइंट करे और जिसको नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने पास रखा जाए, उसके बाद फिर नया वाला अपॉइंटमेंट जो हो जाता है। चलिए अब कहता है अगर बोर्ड फेल कर जाए, ये तो था बोर्ड की कहानी, लेकिन अगर बोर्ड भी ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं पहला ऑडिटर को, जो कितने दिन के अंदर? बोर्ड के विद इन द फेलियर ऑफ 90 डेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 90 फेलियर्स के 90 दिन के अंदर ये जो है शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जो होल्ड करता है फर्स्ट एनुअल जनरल तक अपॉइंटमेंट रहता है। अब चलिए अगर हम बात करें नो कंपनी शैल रीअपॉइंट एज ऑडिटर, अगर देखो हाँ ये भी बात ध्यान में रखना कि कौन सी कंपनी को रीअपॉइंट किया जा सकता है ऑडिटर के तौर पर, ठीक है। मान लो एक ऑडिटर हम हैं, हम गए सीए के तौर पर ऑडिट करने के लिए कंपनी में, तो क्या दोबारा हमको अपॉइंट कर सकता है? नहीं, एक इंडिविजुअल को 5 साल तक, मतलब हमको 5 साल तक अपॉइंट कर सकता है, 5 साल से ज्यादा होगा तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एक ऑडिटर को, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर एक ऑडिट फर्म है, ये तो इंडिविजुअल की बात होगी, हम अपना अकेले खोल के रखें, लेकिन एक ऐसा फर्म है जो सिर्फ ऑडिट फर्म है, मतलब वहां 5-7 ऑडिटर्स हैं, 5-7 सीए हैं काम कर रहे हैं, तो वहां पे 10 साल के लिए, मतलब 2 टर्म्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑडिट के लिए एक कंपनी में भेज सकते हैं। चलिए राइट्स और ड्यूटीज की बात करेगा, राइट ऑफ एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का अधिकार होता है किसको? ऑडिटर को।
ऑप्टेन करना होता है इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन का, विजिट करना पड़ता है ऑफिस और एक्सेस ब्रांच आउटपुट में, रिसीव करता है नोटिस और अटेंड करता है जनरल मीटिंग को, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगर उसको रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, रिपोर्ट बनाने का अधिकार है, ऑडिट रिपोर्ट भी बनाने का अधिकार है, साइन करने का, ओपिनियन देने का अधिकार है, रिम्यूनरेशन करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट, अब है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। देखिएगा, रिपोर्ट करना है मेंबर्स को, एग्जामिनेशन देखना है अकाउंट्स को, रिपोर्ट करना है ट्रू एंड फेयर व्यू, ड्यूटी लगाना है, रिपोर्ट करना है एडिशनल मेटल पर, ड्यूटी देना है, ड्यूटी एज ए स्टेटरी रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस देखना है और असाइन करना है इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखिए लास्ट है ऑडिट का, लास्ट चार तरीके की रिपोर्ट बनाता है वो, चार तरीके कौन कौन से रिपोर्ट सर, सबसे पहले अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन इसलिए देता है ताकि उसको वहां पे कोई तरीके का दिक्कत नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए बोला गलती के लिए क्वालिफाई नहीं है अनक्वालिफाइड, इसको कभी कभी क्लीन ओपिनियन या क्लीन रिपोर्ट भी बोल दिया जाता है। क्वालिफाइड ओपिनियन वो ओपिनियन होता है जब एक ऑडिटर को थोड़ी बहुत गलती नजर आती है तो वहां पे उसको वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। एडवर्स ओपिनियन तब देता है जब पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो गलत बनाता है तो उसको एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब दिया जाता है जब भाई साहब इनसफिशिएंट एविडेंस होता है, उसमें एविडेंस ही नहीं होता है, ऑडिटर जो होता है बोलता है हमको नहीं पता यार फालतू हो गया सब, तो ये होता है। तो अनक्वालिफाइड सबसे बेस्ट ओपिनियन होता है ऑडिटर का, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कहानी खत्म हो गई ऑडिट की भी, चलो कहानी खत्म, अब आ जाओ, हाँ सेबी वाला खत्म भी हो गया, तो आ जाओ अब चलते हैं शुरुआती दौर में, आ जाओ। देखो हमने क्या क्या कर लिया आज, ये हो गया पूरा, ठीक है ये पूरा हो गया, हाँ ये कर लिया पूरा हमने। चलो इसके बाद बात करें तो अब इसको शुरू करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, चार चीजें बेसिक चीजें इसको देख लेते हैं, आ जाओ। फिर कॉस्ट है, हाँ चलो टैक्स भी, ये भी कर लिया हमने, टैक्स भी कर लिया, ठीक है ये भी कर लिया, ऑडिटर भी कर लिया, अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग बचाओ और अकाउंटिंग बचाओ, आओ जल्दी जल्दी फटाफट इसको भी। ये देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बात करें तो सिर्फ चार मेथड को याद रखना यार, ज्यादा दिमाग करने की नहीं, करंट परचेजिंग पावर मेथड ये याद रखना, करंट वैल्यू मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ठीक है इसको इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब मेन है इसको याद रखना, एक्विजिशन मर्जर अमलगमेशन, एक्विजिशन मर्जर अमलगमेशन क्या होता है भैया, अमलगमेट एक के साथ दूसरी कंपनी का मर्जर होना, चारों का पर्पस वही है, समझ में ऐसे आता है, मर्जर मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया, एक्विजिशन मतलब एक को बड़ी वाली ने छोटी वाली को अपने साथ ले लिया, उसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। अमलगमेशन होता है दोनों का मिल जाना एक दूसरे में, चाहे किसी ने एक्वायर करके लिया हो चाहे वो साथ में जाके मर्ज करके काम कर रहा हो। आ जाओ मेन जो इसमें पढ़ना है वो देखो, अमलगमेशन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया अमलगमेशन कंपनीज नेचर ऑफ परचेज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये वाला, इसको ध्यान में रखना भाई, क्या अमलगमेशन दो तरीके से होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए पांच कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है आज देखो, सारे एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफरर कंपनी का हो जाता है सर, दो चीज बता दीजिए, ट्रांसफरर कंपनी कौन और ट्रांसफरी कंपनी कौन, ट्रांसफरी कंपनी बड़ी कंपनी होती है और ट्रांसफरर कंपनी छोटी कंपनी को कहते हैं, तो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में जाती है, इसलिए बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, छोटी कंपनी, सिंपल सी बात है। अब यहां ध्यान करो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहने का बात है, जितना भी एसेट लायबिलिटी होगा किसका, ट्रांसफरर यानी कि छोटी कंपनी का, वो सारी की सारी एसेट लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, बड़ी कंपनी, पहला वाला कंडीशन। दूसरा, जिसका 90% से ज्यादा शेयर होल्डर होगा वो छोटी कंपनी का, ऑटोमेटिकली वो बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। तीसरा, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो बड़ी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाह रहे होंगे तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, उसके लिए शेयर इशू कर देगी। चौथा, उसके बाद क्या है, बिजनेस जो है ट्रांसफरर कंपनी का वो कभी बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। और पांचवा, कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी अकाउंटिंग है वो ट्रांसफरर कंपनी नहीं, ये पांच कंडीशन। और इस पांच कंडीशन के अलावा अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं मैच किया तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या, पांच कंडीशन, उस पांच कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर नहीं मिला उसको बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग अमलगमेशन ये चार है, परचेज मेथड है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन है, देखो लमसम मेथड्स है, लमसम मेथड में होता है कि ओवरऑल आप पैसा दे देते हैं एक बार एसेट और आप सारा का सारा क्या करते हैं आप कंपनी को खरीद लेते हैं। न्यू एसेट्स मेथड में ये क्या कहते हैं, एसेट की वैल्यू के हिसाब से इसको दिया जाता है,
ठीक है, ये देखो अब क्या है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी दो होती है, एक होता है इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको जब कंपनी अपने इंटरनल चीजों को सही करती है, उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स दोनों को मनाना पड़ता है। ठीक है, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो बैलेंस शीट जब रिड्यूस्ड वहां लिखा जाता है बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सारे चीजों को लिक्विडेट करना पड़ता है, कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेशन बाद जो है तब एक्सटर्नल होता है। आ जाओ बेसिक चीजें, ये देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स द मेथड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेयर एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। यहाँ लिक्विडेशन नहीं होता है, नई कंपनी नहीं फॉर्म होती है, पुरानी कंपनी रहता है। और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन विच कंपनी अंडरगोइंग रिकंस्ट्रक्शन लिक्विडेटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। न्यू कंपनी यहाँ फॉर्म होता है या न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड हम लिखते हैं किसमें, बैलेंस शीट रिड्यूस लिखते हैं इंटरनल में, एक्सटर्नल में नो स्पेसिफिक टर्म्स यूज किया जाता है। कैपिटल रिड्यूस किया जाता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी होल्डर्स को उसको क्लेम करता है, नो रिडक्शन इन द कैपिटल कोई होता है। अप्रूवल कहां मिलता है, कोर्ट से मिलता है और यहां अप्रूवल कोर्ट की जरूरत नहीं होती है। नो सच ट्रांसफर टेक प्लेस, यहां एसेट लायबिलिटी करते हैं, एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को करते हैं ट्रांसफर नई कंपनी। तो यहां नई कंपनी मतलब ए है तो यहां बी लिमिटेड बन जाएगी और यहां ए है तो यहां ए लिमिटेड ही रहेगी। बात समझ में आ गया, बस यही है, इंटरनल एक्सटर्नल में कुछ खास ज्यादा नहीं है। चलिए अगर हम बात करें आगे आगे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, देखो होल्डिंग और सब्सिडी का केस बहुत सिंपल है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो 51% से ज्यादा शेयर्स रखती है किसी अदर कंपनी का, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। सब्सिडी कंपनी वो जो कंपनी 49% या उससे कम का शेयर्स रखती है अपने पास में। बात खत्म, सिंपल सा। अब क्या सब्सिडियरी कंपनी भी किसी का होल्डिंग कंपनी हो सकती है? बिल्कुल सकती है। अगर 49% का पैसा जो है वो मान लो कि 5 करोड़ रुपया है और 50 लाख में कोई इसको कंपनी खरीदना है तो क्यों नहीं खरीदेगी, आराम से खरीदेगी। तो इसीलिए सब्सिडियरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी बन सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर बात करें जो हेड वाला होल्डिंग कंपनी है जिसको सब्सिडी कंपनी को खरीद चुका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, ये देखो मान लो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। तो ए को बी का कितना शेयर मिला, 51%, बी का 51% शेयर ये ले लिया, तो अभी भी 49 इसके पास है। अब ये 49% में से सी को खरीद लिया, ठीक है, इसको खरीद लिया कितना, 5 करोड़ में, और इसका वैल्यू है 50 करोड़, ठीक है, इसको खरीद लिया। तो ये कंपनी और ये कंपनी इस कंपनी के लिए दोनों के लिए सब्सिडियरी कहलाएगी और ये कंपनी जो है कहलाएगी पेरेंट कंपनी, क्या कहलाएगी, पेरेंट कंपनी। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट आ जाओ, रिलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आइए सबसे पहले देखिएगा गुडविल क्या होता है। गुडविल रेपुटेशन ऑफ द कंपनी को बोलते हैं। एप मेथड ऑफ गुडविल को पढ़िए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल एवरेज मेथड होता है गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिएगा ये दिया हुआ है आपको, नोट्स में देख लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर बात करें कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, फिर कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट को, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऐसे निकल जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट को करने से। तो ये बात खत्म हो गया। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला देख लो कहाँ गया, सुपर मेथड में स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये देखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नॉर्मल 100 इनटू बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये तीनों निकालना मैंने ऊपर बता दिया। तो बेसिक चीज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट और मैनेजमेंट जो है दोनों का दोनों है। यहाँ हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है ये ध्यान से देखो। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का करते हैं हम यहाँ। कॉस्ट अकाउंट में क्या करते हैं, कॉस्ट असर्टेनमेंट करते हैं कि कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और इसी से पहले आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पे फाइनेंशियल, देखो तीनों एक दूसरे से लिंक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जहाँ हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बैलेंस शीट को देखने के बाद किया जाता है कि बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि भैया कौन सा एसेट में, सॉरी कौन सा एसेट बोल रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है। तो वहां के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि भाई किसी प्रोडक्ट का हमको कम करना पड़ेगा रेट, तभी मार्केट में बिक पाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट का निर्धारण करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट वगैरह को देखते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के, ठीक है जी। चलिए ये बात है और कुछ नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग, मतलब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भैया एक स्टैंडर्ड होना चाहिए
उस बेस पर हम एक्चुअल कॉस्टिंग निकालते हैं, और जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग को ये करते हैं, मैच करते हैं, तो उसी में से जो वेरिएंसेस आते हैं चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, उसको बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए उसके बाद क्या आइए, वेरिएंस एनालिसिस बोल दिया, बता दिया मैंने दोनों का वेरिएंस क्या होता है। हाँ ये देखो, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है। मटेरियल देखो, मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो MCV इक्वल टू SC माइनस AC। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, इसी से निकल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखो दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस जब निकालना होगा ना, तो मटेरियल को देखेंगे, लेबर वेरिएंस निकालना होगा तो लेबर को देखेंगे। तो मटेरियल अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, तो तीन चीज निकालना होगा, सॉरी मटेरियल वेरिएंस की तीन चीज निकालना होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये तीन वेरिएंस निकालना होगा। तो कॉस्ट तो हमने निकाल लिया, पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस को देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है एक्चुअल क्वांटिटी जितना यूज किया गया, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, तो ये है एमपीवी। उसके बाद आइए मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इससे निकल जाएगा ये। और उसी तरीके से आप आ जाइए लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, सेम चीज है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे होगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। देखो ये स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ लेबर रेट वेरिएंस में, देखो क्या है, लेबर रेट वेरिएंस को जो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर और ये होता है। उसके बाद लेबर टाइम एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये क्या है भैया, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स और इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये दो तीनों से फॉर्मूला से बात बन जाएगा, और आपको ये पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। उफ। हाँ जी ये हो गया खत्म, ठीक है, और तो कुछ वैसा बचा नहीं है, अगर कुछ बच गया तो फिर आपने रिविजन किया होगा, मैंने ऑलरेडी 37 लेक्चर पढ़ा दिया है, 37 लेक्चर्स का रिविजन बस 4 घंटे, अभी से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये उसी को समझ में आएगा जो ऑलरेडी मेरा 37 लेक्चर देखा हुआ है, उसको एक बार ये चीज समझ में आएगा, अदरवाइज दूसरे लोग पगलाते रह जाएंगे, भैया क्या बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में जो आपकी एनर्जी को कर देगी बूस्टअप। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच, जय हिंद।